प्रेम ने जाने पहचाने गाने को सुनकर अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली और वो डॉल को डांस करते हुए देखता रहा। उसकी दुनिया में ये गाना काफी फेमस हुआ था, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस दुनिया में भी उसे ये गाना सुनने को मिलेगा। भले ही डॉल का डांस बहुत बेकार था, लेकिन लंबे पैर और अच्छी ड्रेस के बाद भी ये एक डॉल ही तो थी, इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता था। हाँ, ये बच्चों का ही गाना है। इस गाने को सुनकर बच्चे खुशी से नाचने लगते हैं। सिस्टम ने काम होकर कहा, इससे बच्चे नाचने लगते हैं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। प्रेम ने कहा और सोचने लगा, अगर इस गाने से बच्चे नाचने लगे तो बाकी गानों को तो टेक्स्ट बुक में डाल देना चाहिए। वाओ! रिया की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो काउंटर पर रखे म्यूजिक बॉक्स को घूर रही थी। रिया एक हाथ से बिल्ली को पकड़े थी और दूसरा हाथ हिला रही थी, जैसे वो नाचने की कोशिश कर रही हो। अगली डकलिंग भी अपनी गर्दन उठाकर डॉल को डांस करते हुए देखना चाहती थी। उसके पैर भी बिना उसकी परमिशन के हिलने लगे थे। इधर यामिनी भी डॉल को देख रही थी और सोच रही थी, कितना प्यारा गाना है और इसका डांस भी काफी इंटरेस्टिंग है। उसे डॉल का डांस थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसने ये गाना पहले कभी नहीं सुना था और वो इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं पहचान पा रही थी, लेकिन म्यूजिक बहुत ही अच्छा था। वो बड़ी मुश्किल से खुद को नाचने से रोक पा रही थी। उसे तो गाने के लिरिक्स भी कुछ अजीब ही लग रहे थे, फिर भी गाना बहुत मजेदार था। देखो, ये गाना तुम्हारी बेटी, तुम्हारी वेट्रेस और तो और बिल्ली को भी पसंद आया, सिस्टम ने कहा। सिस्टम इन सभी लोगों के रिएक्शन से बहुत सेटिस्फाइड था। प्रेम ने इन सभी लोगों को सरप्राइज होकर देखा। प्रेम ये देखकर काफी खुश था कि सिस्टम ने इस गाने को इस दुनिया की कॉमन लैंग्वेज के हिसाब से ट्रांसलेट नहीं किया था। सारे लिरिक्स उसकी ही दुनिया के थे। ये इस गाने का ओरिजिनल वर्जन था। हाँ, मैं ये गाना बस 5 मिनट में तुम्हारे लिए ट्रांसलेट भी कर सकता हूँ, सिस्टम ने तुरंत कहा। मैं इसके लिए बस 1 सोने का सिक्का ही चार्ज करूंगा। कोई जरूरत नहीं है, कहीं और जाकर बेचाओ, प्रेम ने रिप्लाई दिया और सोचने लगा, इसका पैसे कमाने का तरीका बहुत अच्छा है। सिस्टम इतना लालची है कि इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये डांस कितना इंटरेस्टिंग है, मैं भी ये सीखना चाहती हूँ, रिया ने अपने पापा के कपड़े खींचकर कहा। प्रेम के चेहरे के एक्सप्रेशंस थोड़े चेंज हो गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे डांस सिखाना पड़ेगा। तुम डांस सीखना चाहती हो? रिया ने सिर हिलाया। हाँ, मैं सीखना चाहती हूँ, मैं अभी सीखना चाहती हूँ। उसने बिल्ली को नीचे कुर्सी पर रख दिया और अपने हाथ हिलाने लगी और डॉल को कॉपी करने की कोशिश करने लगी। क्या मैं भी ये सीख सकती हूँ? यामिनी ने हेजिटेट होकर पूछा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, उसकी आंखें बहुत एक्सपेक्टेंट थीं। प्रेम ने दोनों लड़कियों की तरफ देखा और उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। ये गाना रिया के लिए ठीक नहीं है, लेकिन डांस फिर भी ठीक है, प्रेम ने मन ही मन सोचा। उसने रिया की तरफ देखा और रिया डांस करते हुए कैसी लगेगी ये सोचकर स्माइल करने लगा। यामिनी के पास वो हर चीज थी जो एक डांसर के लिए जरूरी होती है। उसकी बॉडी बिल्कुल शेप में थी, उसकी कमर बिल्कुल पतली थी, पैर लंबे थे और वो अच्छी ड्रेस पहनी हुई थी। प्रेम ज्यादा देर तक चुप नहीं रहा। वेल, मुझे लगता है कि अगर तुम लोग ये सीखना चाहती हो तो ये ठीक है। प्रेम दोनों को खुश देखना चाहता था और वो इन दोनों के डांस को सुधार सकता था। आप सबसे बेस्ट पापा हो, रिया ने खुश होकर अपने हाथ हिलाते हुए कहा। थैंक यू बॉस, यामिनी ने खुशी से उछलते हुए कहा। फिर वो बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई और स्माइल करने लगी। बचपन से ही जैसे बाकी लड़कियां फेस्टिवल्स में नाचती हैं, वैसे ही यामिनी भी अपने डांस से लोगों की तालियां बटोरना चाहती थी। हालांकि बस फेस्टिवल्स के दिनों में ही यामिनी को डांस देखने मिलता था और बाद में उसे कभी भी डांस सीखने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन अब चीजें बदल चुकी थीं और वो डांस भी करती थी। यामिनी बहुत कॉन्फिडेंट थी कि वो भी ये डांस सीख सकती है, चाहे उसे कितना भी समय लग जाए, अब वो ये डांस सीख कर ही रहेगी। प्रेम ने भी स्माइल कर दिया, लेकिन उसने डॉल को देखकर अपनी आईब्रो ऊपर कर ली। अब उसे समझ आ चुका था कि म्यूजिक बॉक्स को अपग्रेड करना बहुत जरूरी हो चुका है। तुरंत ही उसके दिमाग में चारों अपग्रेडिंग चॉइसेस दिखने लगीं। पहला ऑप्शन, पावर सोर्स अपग्रेडेशन। 4A साइज बैटरी की जगह एक फास्ट चार्जिंग अल्ट्रा कैपेसिटी वाली लिथियम बैटरी यूज की जाएगी। 3 मिनट चार्ज करने पर बैटरी 3 घंटे चलेगी। अगर पूरी चार्ज की जाए तो ये 3 दिन तक चलेगी। कीमत 10 सोने के सिक्के। एक्सेसरीज, एक ओरिजिनल चार्जर। दूसरा ऑप्शन, पावर सोर्स और कपड़े बदलें। पहले ऑप्शन की सर्विसेज के अलावा तुम्हें डॉल के लिए 10 जोड़ी ब्यूटीफुल कपड़े मिलेंगे। तुम बस एक बटन दबाकर इसके कपड़े बदल सकते हो। कीमत 20 सोने के सिक्के। तीसरा ऑप्शन, पावर सोर्स बदलें और LED स्क्रीन। दूसरे ऑप्शन के अलावा 4 अलग अलग डायरेक्शन में 4 LED स्क्रीन्स जिसमें डांस ब्रॉडकास्ट होगा। कीमत 100 सोने के सिक्के। और चौथा ऑप्शन, पावर सोर्स बदलें और होलोग्राफिक प्रोजेक्शन डिवाइस का यूज। दूसरे ऑप्शन जैसी सर्विसेज के अलावा
एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन डिवाइस दी जाएगी। प्रोजेक्टेड 3D इमेज हर एंगल से रियल जैसी दिखेगी। ये एक परफेक्ट डांसर होगी और आपको आपके टैलेंट और लर्निंग प्रोग्रेस के हिसाब से डांस सिखाएगी। कीमत 200 सोने के सिक्के। प्रेम ने जैसे ही ये दोबारा ऑप्शंस देखे, वो सिस्टम को गालियां देना चाहता था। तभी प्रेम को रियलाइज हुआ कि क्यों सिस्टम ने नानी तेरी मोरनी को प्लेलिस्ट में डाल दिया है। सिस्टम प्रेम के पैसों के पीछे ही पड़ा था। इस बार सिस्टम ने प्रेम के बिना पूछे ही सब दिखा दिया था और पैसे कमाने का यह बहुत अच्छा तरीका था। सिस्टम, तुम्हें रात में नींद कैसे आती है? प्रेम ने कहा। उसके अंदर का गुस्सा बाहर निकलने के लिए बेताब था। मुझे नींद की जरूरत नहीं है, सिस्टम ने काम होकर जवाब दिया। हाँ, वो तो समझ में आता है, प्रेम ने कहा। और पांचवा ऑप्शन क्या है? केवल 4 ही ऑप्शंस हैं। क्या होगा अगर ये होलोग्राफिक प्रोजेक्शन डिवाइस मेरे काम की ही ना निकले? तुम कितना पे करना चाहते हो? ये तो तुम्हारे प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, प्रेम ने स्माइल करके कहा। चौथा ऑप्शन ही तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। मैंने कल 1500 सोने के सिक्के कमाए थे। मुझे अपनी रिक्वायरमेंट्स बताओ और बाकी सब मैं देख लूंगा। बस इससे तीनों रूल्स नहीं टूटने चाहिए, सिस्टम ने खुश होकर कहा। बढ़िया, मैं तुम्हारी सर्विस से खुश हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ हूँ, सिस्टम ने कहा। तुम्हें अच्छे से अच्छी सर्विस देना ही मेरा काम है। बहुत शानदार। मैं चाहता हूँ कि तुम इस म्यूजिक बॉक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्टॉल कर दो। मैं चाहता हूँ कि ये डॉल तुमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाए, प्रेम ने कहा। सिस्टम बिल्कुल चुप हो गया। बाद में उसने कहा, मेरी इंटेलिजेंस पर सवाल मत उठाओ, मैं हर चीज के बारे में सब कुछ जानता हूँ और मैं अभी भी सीख रहा हूँ। मैं इस दुनिया का भगवान हूँ, मैं तो। तुम जैसे सिस्टम का कितना चार्ज लगेगा? प्रेम ने बीच में ही टोकते हुए कहा। मुझे लगता है 100 मिलियन सोने के सिक्कों से भी ज्यादा। थोड़ी देर सोचने के बाद सिस्टम ने कहा, क्या मैं तुम्हें बेच सकता हूँ? इस बार सिस्टम और भी ज्यादा देर तक चुप रहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? सिस्टम ने गुस्से में कहा। मुझे कौन अफोर्ड कर पाएगा, और अगर कोई कर भी पाए तो उसकी आधी अर्निंग मैं रखूंगा। मैं जानता था कि तुम खुद को भी बेचना चाहते हो, सिस्टम फिर से चुप हो गया। अब सिस्टम के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। ये बिना किसी इज्जत का एक सिस्टम था। मैंने पहले भी कहा है और आज मैं फिर से कहना चाहता हूँ, सिस्टम ने कहा। मैं एक इज्जतदार सिस्टम हूँ। भगवान ने मुझे तुम्हें सुपरवाइज करने के लिए और इन सभी कुकिंग टास्क के लिए बनाया है। तुम्हें सभी डिशेस को अनलॉक करने की कोशिश करनी चाहिए और फिर इस दुनिया में पॉपुलर बनाना चाहिए। तुम्हें कुकिंग का बादशाह बनना है ताकि इतने सारे कुक्स की मेहनत बेकार न जाए। प्रेम सिस्टम की शिकायतें सुनना नहीं चाहता था, इसलिए उसने आईब्रो ऊपर करके कहा, मुझे चौथा ऑप्शन सही लगा है, लेकिन 200 सोने के सिक्के काफी ज्यादा हैं। बस यही तो तुम गलत होते हो, सिस्टम ने कहा। होलोग्राफिक प्रोजेक्शन डिवाइस बहुत एडवांस है। जो 3D इमेज प्रोजेक्ट होगी वो ऑलमोस्ट रियल होगी। अगर ये प्रोटोटाइप ना होता तो तुम्हें इसके कम से कम 500 सिक्के देने पड़ते। प्रेम ने रिया और यामिनी की तरफ देखा, जो डॉल को डांस करता हुआ देख रही थी। 190, और तुम अपनी पहली अपग्रेड वापस ले सकते हो, प्रेम ने बिना हेजिटेट हुए कहा। मुझे डर है कि मैं शायद पहली अपग्रेड वापस नहीं ले सकता, क्योंकि इसे खरीदे 3 दिन से ज्यादा हो गए हैं। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, प्रेम ने काम होकर कहा। इन लोगों को तो कभी पता ही नहीं चलेगा कि इस गाने पर कैसा डांस होना चाहिए। उन्हें ठीक इस डॉल जैसा ही डांस करना है। 190 सोने के सिक्के काट लिए गए हैं। अपग्रेड होने में 20 मिनट लगेंगे। ये कब करना है? 30 मिनट बाद करना, प्रेम ने जवाब दिया। रिया और यामिनी दोनों अजीब तरीके से डांस कर रही थीं। और तो और अगली डकलिंग भी कुर्सी पर खड़ी खड़ी अपने पैर हिला रही थी। रिया अपने डांस में बिल्कुल खो गई थी। उसके हाथ यहाँ वहां हिल रहे थे और उसके पैर बीट पर थिरक रहे थे। 200 सोने के सिक्के इस म्यूजिक बॉक्स के लिए बहुत ज्यादा थे, लेकिन अगर म्यूजिक बॉक्स रिया के लिए था तो इसमें बार्गेन करने तक की जरूरत नहीं थी। प्रेम आज और भी ज्यादा पैसे एक्सपेक्ट कर रहा था। उसने 5000 सोने के सिक्के बचा लिए हैं और कुछ ही दिन में वो 5% स्ट्रेंथ खरीद लेगा। तब तक शायद वो 1000 कस्टमर्स को लाने का अपना मिशन भी पूरा कर लेगा। जब सिस्टम से उसकी डील हुई थी, प्रेम अब सांस लेने तक का इंतजार नहीं करना चाहता था। वो रेस्टोरेंट साफ करने चला गया, क्योंकि उसकी वेट्रेस अब डांस करने में खो चुकी थी। जैसे ही डांस खत्म हुआ, यामिनी को अपनी गलती समझ आ गई। आई एम सो सॉरी बॉस, उसने जल्दी से प्रेम के पास जाकर कहा। अरे अरे कोई बात नहीं, जाओ जाकर थोड़ा और डांस कर लो, प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा। यामिनी ने ना में सिर हिलाया। नहीं, मैं वर्किंग आवर्स के बाद डांस कर लूंगी, उसने प्रेम से कपड़ा ले लिया और टेबल साफ करने लगी। पापा मेरे साथ डांस करो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, रिया ने खुश होकर कहा और प्रेम का हाथ पकड़कर काउंटर की तरफ ले गई। प्रेम ने जैसे ही पॉपअप एड देखी, उसने अपनी एक आईब्रो ऊपर कर ली। उसके मन में दो ख्याल आ रहे थे, एक तो सिस्टम पर चिल्लाना
और दूसरा जोर से हंसना। थोड़ी देर तक सिस्टम ने कुछ भी नहीं कहा। फाइनली उसने एम्बेरस होकर कहा, सॉरी गलती हो गई। फिर एड अपने आप गायब हो गई। प्रेम ने अपना सिर हिलाया और एक लंबी सांस छोड़ी। यह सब पैसों के पीछे ही हो रहा था। शायद सिस्टम भूल चुका था कि उसे क्यों बनाया गया है। प्रेम को नहीं पता था कि यह अच्छा था या बुरा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे होलोग्राफिक गेम्स बहुत इंटरेस्टिंग लगे थे। दोनों छोटे बच्चे अब तक प्रेम का इंतजार कर रहे थे। रिया ने जैसे ही प्रेम को देखा वैसे ही वो दौड़कर उसके पास गई। मशरूम परी कहाँ है पापा? उसने खाली म्यूजिक बॉक्स को देखकर पूछा। अगली डकलिंग ने दौड़ना बंद कर दिया और जमीन पर लेट गई। अगली डकलिंग को कहीं ना कहीं ये अफसोस हो रहा था कि उसे इतना ज्यादा नहीं खाना चाहिए था। यामिनी भी प्रेम और रिया के पास गई और कंफ्यूज होकर सोचने लगी। बॉस ने तो कहा था कि वो डॉल को और भी ब्यूटीफुल बना देंगे, लेकिन अब तो वो दिखी नहीं रही है। यामिनी बहुत श्योर थी कि प्रेम कभी भी रिया को झूठ नहीं बोलेगा। बस अभी अभी उसने जो देखा था वो बात वो खुद को समझा नहीं पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डॉल आखिर गायब कहां हो गई थी। चिंता मत करो और ब्लिंक मत करना, सरप्राइज के लिए तैयार हो जाओ। प्रेम ने एक्सप्लेन नहीं किया। उसने म्यूजिक बॉक्स को टेबल पर रखा और स्क्रीन पर दिख रहे आइकॉन को टैप कर दिया। यामिनी और रिया आंखें वाइड करके म्यूजिक बॉक्स को घूर रही थीं और बहुत एक्साइटेड थीं। और तो और बिल्ली भी बड़े ध्यान से देख रही थी कि आगे क्या होने वाला है। पुराने लैंप्स की जगह छोटे छोटे स्टेज लैंप्स लग चुके थे। एक साफ डिंग डोंग की आवाज के साथ सारे लैंप्स जल गए। कलरफुल लाइट्स ग्लास बॉल से फैलने लगी और बीच में फोकस करने लगी। फिर सारी लाइट्स एक जैसी हो गईं और फायरवर्क्स के जैसे जलने लगीं और एक डिस्प्ले में बदल गईं। वाओ! रिया और यामिनी ने एक साथ कहा। उनकी आंखों में खुशी भर गई थी। उन्होंने आज के पहले ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। लाइट्स ककाओ गांव के फेस्टिवल से भी अच्छे थे। एक तेज रोशनी के बाद लाइट्स गायब नहीं हुई बल्कि एक बार फिर से एक साथ आई और तेज रोशनी हुई। फाइनली लाइट्स जा चुकी थी और एक शानदार बॉनी लड़की दिखने लगी जिसकी पलकें लंबी लंबी थीं, आंखें सुंदर थीं और उसने घुटनों तक सिल्वर कलर की ड्रेस पहनी थी। मेरा नाम रोमा है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये तो कमाल की है, रिया ने ताली बजाते हुए कहा। वो टेबल के आसपास घूमने लगी और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। बॉनी लड़की अब बिल्कुल रियल लग रही थी। उसकी स्किन सफेद और शाइनिंग थी। उसकी स्माइल बिल्कुल नेचुरल थी, जैसे एक असली बॉनी लड़की स्माइल करती बिल्कुल वैसे ही। यामिनी थोड़ा कंफ्यूज और सरप्राइज थी और सोच रही थी, ये कितनी क्यूट है, लेकिन क्या बॉस ने इसे मैजिक से समन किया है? लाइट्स मैजिक के लिए यूज हो सकती है, लेकिन ये तो कितनी रियल दिख रही है, और ये तो बात भी कर सकती है। अगली डकलिंग जो अभी तक जमीन पर लेटी थी तुरंत खड़ी हो गई और इन सभी के पास क्यूरियस होकर आ गई। वो अपनी गर्दन उठाकर ठीक से देखने की कोशिश कर रही थी। नहीं, तुम मेरी रोमा नहीं हो, तुम मशरूम परी हो, रिया ने अपना सिर हिलाकर कहा। डॉल ने रिया की तरफ कंफ्यूज होकर देखा। प्रेम ने जैसे ही डॉल को देखा उसे बहुत अच्छा लगा। उसकी पिछली लाइफ में 3D होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी। बहुत से कॉन्सर्ट्स में इसका यूज किया जाता था। सिस्टम ने कमाल का काम किया था। इमेज क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और तो और एक्सप्रेशंस भी बिल्कुल साफ दिख रहे थे। डॉली सिस्टम जितनी इंटेलिजेंट नहीं थी, लेकिन वो भी काफी स्मार्ट थे। साथ ही साथ सीखते सीखते वो और भी स्मार्ट हो जाएगी। अगर सिस्टम पैसों का लालची नहीं होता तो प्रेम सिस्टम की बहुत तारीफें करना चाहता था। 20,000 कॉपर के सिक्के खर्च करना पूरी तरह से वर्दी साबित हुआ था। प्रेम ने जैसे ही रिया का चीयरफुल फेस देखा वो स्माइल करने लगा। मशरूम परी ही तुम्हारा असली नाम है, ना कि रोमा, शायद तुम भूल गई हो, रिया ने प्यार से कहा। डॉल अब और भी कंफ्यूज दिखने लगी। मैं अपना नाम भूल गई हूँ? हाँ, तुम मशरूम परी हो, रिया ने बिल्कुल पत्थर की लकीर खींचकर कहा। मैं मशरूम परी हूँ, रिया ने सिर हिलाकर कहा। हाँ तुम हो, बॉनी लड़की ने एग्रीमेंट देकर कहा। हाँ मैं मशरूम परी हूँ। चलो अच्छा है कि तुम्हें याद आ गया, रिया ने खुश होकर ताली बजाते हुए कहा। प्रेम ने जैसे ही देखा कि रिया ने डॉल का ब्रेन वॉश कर दिया तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस अजीब हो गए। रिया ने डॉल का IQ लेवल नीचे गिरा दिया था। यामिनी का मुंह खुला और बंद हो गया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि डॉल अपना नया नाम पाकर भी काफी खुश थी। ठीक है, क्या तुम डांस सीखना चाहती हो, प्रेम ने कहा और स्क्रीन पर टैप करने जाने लगा। अभी बस नानी तेरी मोरनी ही अवेलेबल है, क्या तुम यही सीखना चाहोगी, डॉल ने पूछा। हाँ, रिया और यामिनी ने एक साथ कहा। दोनों बॉनी लड़की को सरप्राइज होकर देखने लगे।
डॉल इन दोनों की बात समझ सकती थी। ठीक है, तुम लोगों को 3 मीटर के आसपास की खुली जगह देखनी होगी, जिससे तुम लोग डांस करते हुए किसी भी चीज से टकराओ नहीं, मशरूम परी ने स्माइल करके कहा। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि इस गाने पर कैसे डांस करना है। म्यूजिक शुरू हुआ और मशरूम परी अपने सिल्वर ड्रेस में डांस करने लगी। किसी ने भी एक बॉनी लड़की को इस तरह से डांस करते नहीं देखा था। प्रेम ने इस ग्रेसफुल डांसर की तरफ देखा और सिर हिलाकर बोला, नॉट बैड। प्रेम ने किचन में जाने के पहले 5 बार डांस देखा। इस नई डांसर ने पुरानी डांसर को एक मजाक बना दिया था। पुरानी डांसर पुराने ढंग का डांस करती थी और रिया को उसी को फॉलो करना पड़ता था, और वो डांस मूव सुधारती नहीं थी। उसमें प्रोफेशनल डांस मास्टर जैसी एक भी बात नहीं थी। यामिनी ने 2 टेबल खिसका दी ताकि उन दोनों के लिए डांस करने का ठीक ठाक जगह बन जाए। उसने खिड़की के कवर को नीचे कर दिया ताकि कोई भी बाहर से उन्हें झांक कर ना देख पाए। पहले प्रेम के सामने डांस करने में वो काफी एम्बेरस फील कर रही थी, लेकिन जैसे ही प्रेम ने उसे देखा था, वो बहुत जेंटल एक्सप्रेशंस थे, और ऐसे ही प्रेम अपनी बेटी को भी देखता था। यामिनी को बहुत अच्छा लगा और वो डांस में पूरी तरह से खो गई। रिया और यामिनी का जोश देखकर बिल्ली भी खुद को रोक नहीं पाई। अब वो भी अपने मन से इधर उधर उछल रही थी और दौड़ लगा रही थी। प्रेम ने जैसे ही यामिनी को डांस करते देखा, उसने स्माइल करके सोचा, जिंदगी काम करने के अलावा भी बहुत कुछ है। आई होप कि ये अपने पास्ट से बाहर आ जाए और इसे यहाँ खुशी मिले। बिल्ली के लंच के लिए प्रेम ने शाही कबाब बनाए और उसे खाने दिए। प्रेम को लगा था कि शायद बिल्ली को ये फूड पसंद ना आए, लेकिन बिल्ली ने उसे सूंघा और खुश होकर म्याऊं किया, फिर अपने फूड में खो गई। वो बहुत भूखी थी इसलिए जल्दी जल्दी खाने लगी। ऑरेंज बिल्लियां वाकई में बहुत फूडी होती हैं। प्रेम ने भी अब खाना शुरू कर दिया। पापा, डांसिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, रिया ने खुश होकर कहा और राजमा चावल की बड़ी बाइट ली। मैं दोपहर के बाद और सीखना चाहूंगी। यामिनी भी अपने हाथ में राजमा चावल की प्लेट लिए प्रेम को बहुत एक्सपेक्टेशन से देख रही थी। 2 घंटे नाचने के कारण उसका चेहरा लाल हो गया था। वो थोड़ी थकी हुई लग रही थी, लेकिन उसे काफी अच्छा फील हो रहा था। प्रेम ने स्माइल करके कहा, हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम लोगों को सभी कस्टमर्स के चले जाने का वेट करना होगा, उन्हें खाते टाइम डिस्टर्ब होना पसंद नहीं आएगा, प्रेम ने कहा और सोचने लगा। रिया अब कल से ही अमित के साथ अपना मैजिक लेसन शुरू करेगी। थैंक यू पापा, रिया ने खुश होकर कहा। यामिनी ने भी स्माइल की, उसकी गोल्डन पूंछ एक्साइटमेंट के कारण यहां वहां हिल रही थी। प्रेम ने अपने राजमा चावल की एक बाइट ली और सोचने लगा, रिया 3 दिन अमित के अंडर में सीखेगी, 3 दिन वसीम के अंडर में, और 1 दिन का रेस्ट लेगी। रिया अपने सारे मील्स रेस्टोरेंट में ही लेगी और लंच आवर्स के टाइम थोड़ा रेस्ट लेगी। प्रेम को इस तरह से सीखना पसंद आया था। प्रेम को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि रिया के टीचर स्ट्रिक्ट होंगे या फिर मैजिक सीखने में कोई रिस्क होगी, क्योंकि दोनों ही टीचर्स खुद ही सारी बातों का ध्यान रखने वाले थे ताकि वो दोनों एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने का कोई भी मौका ना दें। अगली डकलिंग ने बहुत जल्दी अपना मील खत्म कर लिया। उसने अपने होंठ चाटे और थोड़ी अनसेटिस्फाई होकर प्रेम की तरफ देखने लगी। प्रेम को धीरे धीरे अब अपनी बिल्ली का फूड बढ़ाना होगा। रिया बिल्ली की तरफ मुड़ी और स्माइल करके बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी प्लेट से थोड़ा दे सकती हूँ। अगली डकलिंग रिया की तरफ प्यार से देखने लगी। फिर रिया ने अपनी बात आगे कही, तुम जितना खाओगी उतनी जल्दी ही बड़ी हो जाओगी। और फिर बिल्ली ये सुनते ही तुरंत रिया से दूर चली गई और अपना सिर हिलाने लगी। प्रेम ने दोनों खाली प्लेट्स की तरफ ध्यान से देखा और सोचने लगा, एक छोटी बिल्ली के लिए इतना काफी होना चाहिए था, इसकी भूख तो कमाल की है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह काफी मोटी हो जाएगी, और किस्मत से हमारे पास रिया भी है जो इसकी पूरी देखभाल कर रही है। लंच के बाद यामिनी ने टेबल साफ कर दी। प्रेम ने टाइम देखा और खिड़की के कवर ऊपर कर दिए। अब उसके रेस्टोरेंट के बाहर लगने वाली लाइन चौराहे के पास तक पहुंच चुकी थी। ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। प्रेम ने 100 से भी ज्यादा लोग गिने। सबके सब लाइन में खड़े होकर बस वेट कर रहे थे। वहां सभी स्पीशीज थे, डेमन्स, इंसान, बौने, दानव, सबके सब। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कुछ लोग दरवाजे पर नॉक करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने भयानक दानवों और देवी मंदिर वालों को शांति से लाइन में लगा देखा तो उन्होंने भी अपने आप को शांत कर लिया। बहुत सारे रेस्टोरेंट के ओनर अपने रेस्टोरेंट से बाहर आकर लोगों को देख रहे थे। मैंने इस चौराहे पर पहले कभी भी ऐसी लाइन नहीं देखी, ये तो कमाल हो गया, फूलों वाली एप्रॉन पहने एक औरत ने कहा। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, ये रेस्टोरेंट अभी कुछ दिनों पहले ही खुला है, जबकि हम तो यहाँ सालों से रेस्टोरेंट खोले हुए हैं, एक गंजे आदमी ने कंफ्यूज होकर अपना सिर खुजलाते हुए कहा। मेरे मन में ख्याल आया है, क्या इस रेस्टोरेंट का ओनर अपने फूड में कोई ड्रग मिलाता होगा, एक पतले से बूढ़े आदमी ने कहा।
मुझे तुम्हारी बात में दम लगता है। जब भी इस रेस्टो से कोई बाहर आता है तो वो थोड़ा अजीब दिखता है, एक बूढ़ी औरत ने कहा। एक लड़की सुबह मेरे सामने निकली, उसके हाथ में कोई डिश थी। जैसे ही उसने उस डिश की पहली बाइट ली, उसने ऐसी सेटिस्फाई आवाज निकाली कि मैं देखती ही रह गई। मुझे लगता है कि ये लोग वाकई में फूड में कुछ मिलाते हैं। हमें देवी मंदिर वालों से इसकी शिकायत करनी चाहिए। हाँ वाकई, इन सभी रेस्टोरेंट के ओनर्स ने ऑलरेडी काफी कस्टमर्स खो दिए थे। तुम लोग वाकई कमाल के हो, एक दूसरे को नीचा गिराना बंद करो और जाकर खुद देख लो कि इनके फूड में ऐसा क्या खास है, एक मोटे आदमी ने चिढ़कर कहा। उसने अपना एप्रॉन उतारा और उसे अपने साइन बोर्ड पर फेंक दिया, फिर उन लोगों की तरफ जाने लगा। मैंने भी उस लड़की को सुबह देखा था, वो अपना फूड एंजॉय कर रही थी, ये बात नॉर्मल नहीं है। प्रेम को ना तो डांस करना आता था और ना ही गाना गाना। उसने थोड़ी देर डांस करने की कोशिश की लेकिन हार मान ली। वो जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया और रिया का डांस स्माइल करते हुए देखने लगा। रिया को यह डांस करने का टैलेंट भी उसकी मम्मी से ही मिला था। उसके डांस मूव्स में भले ही बचपना भरा था लेकिन वो जल्दी सीखने वालों में से थी। वो डांस करते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। अभी रिया बहुत ही बुरी डांसर से सीख रही थी। उसके मूव्स काफी अच्छे हो जाएंगे जब उसकी टीचर एक 3D डांसर हो जाएगी। बिल्ली कुर्सी पर ठीक से डांस नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो कुर्सी से उतर गई और रिया के पास चली गई, फिर उसके आसपास एक्साइटेड होकर उछलने लगी। अगली डकलिंग, मुझे लगता है आज तुम रसमलाई खा सकती हो, प्रेम ने अपनी बिल्ली से कहा। बिल्ली ने प्रेम को देखकर ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे प्रेम की बात समझ आ गई हो। उसकी आंखें एक्साइटमेंट के कारण चमकने लगी थी। वो दौड़कर प्रेम के पास गई और अपना सिर प्रेम के पैर पर रगड़ने लगी। तभी रिया ने अपना डांस करना बंद कर दिया। पापा, अगली डकलिंग अब रसमलाई खा सकती है, उसने सरप्राइज होकर पूछा। प्रेम ने स्माइल करके सिर हिलाया। हाँ, ये नॉर्मल बिल्लियों से जल्दी बड़ी हो रही है, प्रेम ने कहा और सोचने लगा। ऐसा लगता है जैसे ये अभी से एक महीने की हो गई है। यहाँ की बिल्लियां वाकई में बिल्कुल अलग हैं। लेकिन हमारे पास तो रसमलाई नहीं बची है ना? जितनी छूट गई थी उतनी उसके लिए काफी होगी, ये कहते हुए प्रेम किचन की तरफ चला गया। प्रेम ने एक छोटे से बर्तन में रसमलाई रख दी थी, हालांकि यह रसमलाई ताजा रसमलाई जितनी टेस्टी नहीं लगने वाली थी। अगली डकलिंग रूम में खुशी से उछलने लगी। वो जाकर किचन के दरवाजे पर रुकी और प्रेम को एक्साइटेड होकर देखने लगी। प्रेम ने बिल्ली के एक्सपेक्टेंट फेस को देखा। उसे नहीं पता था कि बिल्ली को कौन सा फ्लेवर पसंद आने वाला था। उसने दो छोटे छोटे लाल और नीले बोल्स सिस्टम से खरीद लिए और दोनों में एक एक फ्लेवर डाल दिया। प्रेम भले ही बिल्ली को अपनी फैमिली की तरह मानता था और अभी अभी उसे नहलाया भी था, लेकिन प्रेम रेस्टोरेंट की टेबल पर या रेस्टोरेंट के बर्तन में बिल्ली को खाने नहीं दे सकता था क्योंकि कस्टमर्स को भी ये पसंद नहीं आता। रिया को भी नहीं पता था कि अगली डकलिंग को कैसी रसमलाई ज्यादा पसंद आएगी। वो प्रेम के हाथ में रखे बोल्स को देख रही थी। यामिनी ने भी अपना काम बंद कर दिया और इन लोगों के पास चलकर गई। बिल्ली ने जैसे ही प्रेम के हाथ में बोल्स देखे उसके मुंह में पानी आ गया। वो बहुत दिनों से इस घड़ी का इंतजार कर रही थी, आज उसका सपना सच होने जा रहा था। वो एक्साइटमेंट के कारण अपने पंजों पर खड़ी थी, लेकिन उसके पंजे इतने स्ट्रांग नहीं थे जो उसके वजन को झेल पाए। वो तभी धम की आवाज से गिर पड़ी। देखो तुम कितनी बेवकूफ हो, शायद गिरने से तुम और भी बेवकूफ हो गई हो, मैं तो तुमसे तंग आ चुकी हूं, रिया ने कहा। म्याऊ करते हुए अगली डकलिंग तुरंत ही खड़ी हो गई। वो रिया के पैर पर अपना सिर रगड़ने लगी और प्रेम के हाथ में दोनों बोल्स को एक्सपेक्टेशन से देखने लगी। प्रेम ने दोनों बोल्स काउंटर के पास जमीन पर रख दिए। लो यहां बैठकर खाओ, बोल्स को उलटना नहीं और ना ही खाना यहां वहां फैलाना, ठीक है, प्रेम ने वार्न करके कहा। बिल्ली ने सिर हिलाया। बिल्ली ने प्रेम की बात समझ ली थी। जैसे ही उसने रसमलाई की तरफ देखा उसकी आंखें वाइड हो गईं। उसने पहले लेफ्ट में रखे बोल को सूंघा और फिर राइट वाले बोल को और सोचने लगी कि पहले कौन सा खाना चाहिए। प्रेम और बाकी दोनों लड़कियां भी बिल्कुल ध्यान से देख रही थीं और वेट कर रही थीं। मुझे तो मीठी वाली पसंद है, यामिनी ने धीमे से कहा। नॉर्मल मीठी वाली का फ्लेवर ज्यादा अच्छा है, प्रेम ने स्माइल करके कहा। दोनों ही रसमलाई डिलीशियस हैं, तुम्हें पहले नॉर्मल मीठी वाली खानी चाहिए फिर बहुत मीठी वाली, रिया ने सजेस्ट करते हुए कहा। अगली डकलिंग रसमलाई की स्मेल में खो चुकी थी। वो थोड़ी देर तक सोचती रही फिर उसने एक बोल में रखी रसमलाई चाट ली। अगली डकलिंग ने एक्साइटमेंट में कहा। उसकी आंखों में रौनक आ गई थी और वो वापस अपनी रसमलाई में खो गई। वो बहुत खुश होकर अपना फूड एंजॉय कर रही थी।
रसमलाई की महक माहौल में घुल गई थी। इसने बहुत मीठी रसमलाई को चुना, यामिनी ने एक्साइटेड होकर कहा। अब मैं क्या कहूं, प्रेम ने काम होकर कहा। थोड़ी देर बाद अगली डकलिंग ने बोल के पास अपना सिर कर लिया और अपने पैरों से बोल को कवर कर लिया। उसे ये ईटिंग पोजीशन ज्यादा अच्छी लगी। अगली डकलिंग, तुम बहुत आलसी हो, तुम बहुत ही जल्दी मोटी हो जाओगी, रिया ने हेल्पलेस होकर कहा। 10 में से 9 ऑरेंज बिल्लियां मोटी होती हैं और बाकी एक बिल्ली बहुत मोटी होती है। प्रेम ने अपना सिर हिलाकर बिल्ली को देखता रहा। काले कौवे ने जब यह कहा था कि यह बिल्ली कुछ ही दिनों में मोटी हो जाएगी, तब वो कहीं ना कहीं सही था। अगली डकलिंग ने जैसे ही बोल में रखी हर चीज खत्म कर दी, उसने अपना सिर ऊपर उठा लिया। उसका मुंह काफी गंदा हो गया था। उसने अपना मुंह चाटा और दूसरे बोल की तरफ देखने लगी। जब प्रेम ने बोल की तरफ देखा तो उसमें एक बूंद भी बाकी नहीं बची थी। प्रेम ने सोचा था कि उसकी बिल्ली चलकर दूसरे बोल की तरफ जाएगी, लेकिन उसका उठने का कोई मन नहीं था। वो ऐसे ही पैर घसीटती हुई दूसरे बोल की तरफ गई। फिर उसने अपने पैरों से दूसरा बोल कवर कर लिया और दोबारा खाना शुरू कर दिया। उसे नॉर्मल मीठी रसमलाई भी उतनी ही पसंद आ रही थी जितनी बहुत मीठी रसमलाई आई थी। प्रिया ने हंसकर कहा, लगता है इसे भी दोनों रसमलाई अच्छी लगी हैं, बस इसने बहुत मीठी वाली पहले खाई थी। रिया नीचे बैठकर बिल्ली के सिर पर हाथ फेरने लगी। रिया अपनी बिल्ली से बहुत सेटिस्फाई थी। इसे दोनों पसंद आई? यामिनी थोड़ी सी डिसअपॉइंट थी। प्रेम ने स्माइल करके अपना सिर हिलाया और सोचने लगा, मुझे ये बात तो पहले ही समझ जानी थी, ऑरेंज बिल्लियां खाने के मामले में इतनी चूजी नहीं होती हैं। प्रेम को यह बात बिल्कुल अजीब नहीं लगी थी कि उसकी बेटी को दोनों रसमलाई पसंद आई थी। जैसे ही प्रेम ने रिया को अपनी बिल्ली के साथ खेलता देखा, प्रेम ने म्यूजिक बॉक्स उठाया और बोला, मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं रिया। चेंजेस? रिया ने पहले प्रेम को देखा, फिर म्यूजिक बॉक्स को, और फिर प्रेम को देखकर बोली, लेकिन मुझे मशरूम परी पसंद है, क्या उसे कुछ हुआ है? प्रेम ने स्माइल करके ना में सिर हिलाया, नहीं, बल्कि वो अभी से भी ज्यादा अच्छी डांसर हो जाएगी और फिर ये तुम लोगों को डांस करना भी सिखाएगी, इसके कपड़े भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये बात साफ थी कि रिया का अपने खिलौने के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बन चुका था। रिया का चेहरा अचानक खुशी से भर गया। सचमुच? लेकिन इसमें कितनी देर लगेगी? यामिनी भी बहुत एक्साइटेड हो गई। वो भी रिया की डॉल को दोबारा डांस करते हुए देखने के लिए बेताब थी। प्रेम ने सिर हिलाकर कहा, अगले 30 मिनट में ये रेडी हो जाएगी, तब तक तुम अगली डकलिंग के साथ क्यों नहीं खेलती? जैसे ही म्यूजिक बॉक्स रेडी होता है मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। फिर प्रेम म्यूजिक बॉक्स लेकर सीढ़ियों से ऊपर चला गया। म्यूजिक बॉक्स अपडेट होने में सिर्फ 20 मिनट लगने वाले थे, लेकिन प्रेम पूरी तरह से श्योर होना चाहता था कि म्यूजिक बॉक्स में कुछ भी गलत तो नहीं आने वाला है। उधर बिल्ली ने रसमलाई खत्म करने के बाद एक बड़ी सी डकार ली। वो जमीन पर लेट गई और अपना पेट ऊपर कर लिया। उसकी आंखें सेटिस्फेक्शन के कारण सिकुड़ गई थीं। रिया ने बिल्ली के कान खींचते हुए कहा, उठो, चलो उठो, खाने के बाद नहीं लेटते हैं। बिल्ली ने आलसी होकर कहा। उसने अपना सिर रिया के पैरों पर रगड़ा और उसमें उसे और भी ज्यादा कंफर्टेबल फील होने लगा। रिया ने आईब्रो ऊपर कर ली और अपना हाथ पीछे कर लिया। सडनली उसकी आंखों में चमक आ गई। सॉरी, मुझे तुम्हें मोटा होने देना चाहिए, तुम जितनी मोटी होगी उतनी ही टेस्टी होगी। बिल्ली रिया की बात समझ गई। वो तुरंत अपने पैरों पर खड़ी हो गई और रूम में घूमने लगी। उसने रिया से कहा, ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रूफ करना चाहती हो कि अब वो मोटी नहीं होना चाहती। रिया ने ना में सिर हिलाया और एक डेविल जैसी स्माइल करके कहा, नहीं, तुम्हें लेट जाना चाहिए। अगली डकलिंग ने अपनी आवाज ऊंची कर ली। वो यहां से वहां दौड़ने लगी। प्रेम ने जब ये देखा तो उसने सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए सिर हिलाया। उसे बिल्ली पर बहुत तरस आ रहा था। सिस्टम म्यूजिक बॉक्स में अपडेट कर रहा था, इसलिए प्रेम इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करने के लिए नीचे आ गया। अब उसे रेस्टोरेंट साफ नहीं करना था, ना ही बिल्ली के लिए दूध लेने जाना था। अब उसके पास 2 कुकर भी थे, वो और भी ज्यादा राजमा तैयार कर सकता था। जैसे ही सिस्टम ने प्रेम को बताया कि म्यूजिक बॉक्स रेडी हो गया है, प्रेम ने अपने हाथ धोए और सीढ़ियों से ऊपर चला गया। रिया, यामिनी और बिल्ली जो भी कर रही थीं, वो करते करते वहीं पर रुक गईं और प्रेम का वेट करने लगीं। प्रेम ने ऊपर पहुंचकर म्यूजिक बॉक्स बाहर निकाला। वो पहले से कुछ ज्यादा ही अलग दिख रहा था, बस थोड़ा सा ऊंचा हो गया था। म्यूजिक बॉक्स से डॉल गायब हो गए थे और व्हाइट पार्टिकल्स की लेयर भी। प्रेम को म्यूजिक बॉक्स के फ्लोर पर बहुत सारी रेड डॉट्स दिखाई दे रही थी। बेस के साइड में एक 4 इंच की टच स्क्रीन लगी हुई थी। ये बात साफ थी कि अब प्रेम को बटन्स दबाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली थी।
अपडेट पूरा हुआ, डांसर वही बौनी लड़की है जो तुमने चाही थी। मैंने तुम्हें 10 जोड़ी कपड़े फ्री दिए हैं, तुम चाहो तो और भी खरीद सकते हो। सिस्टम ने कहा। एक मिनट रुको जरा, प्रेम ने बीच में रुक कर कहा, ये बार्बी डॉल मेरे म्यूजिक बॉक्स के मेनू में क्या कर रही है? क्या तुम अपने फालतू कपड़े दिखाकर रिया को बेवकूफ बनाना चाहते हो और उसके पैसे खर्च करवाना चाहते हो? तुम खुद को एक रिस्पेक्टेबल सिस्टम कैसे कह सकते हो? बार्बी डॉल मेरे किए गए काम के आगे कुछ भी नहीं है, सभी शानदार कपड़े और स्पेशल इफेक्ट्स लाजवाब हैं। होलोग्राफिक डिवाइस से कपड़ों की सारी डिटेल्स भी दिखेंगी, इससे लोगों को काफी शानदार एक्सपीरियंस मिलेगा। सिस्टम ने प्राउडली एक्सप्लेन किया, मैं चाहता हूँ कि इसमें पेरेंट मोड ऑन कर दो और इसमें किसी भी टाइप की एड नहीं दिखनी चाहिए, वरना तुम्हें मेरे पूरे पैसे वापस करने होंगे। प्रेम ने कहा। ये तो बचपन से छेड़छाड़ है, तुम अपनी बच्ची का बचपन ही खत्म करना चाहते हो, सिस्टम ने कहा। प्रेम ने सिस्टम की बात नापसंद करते हुए मुंह टेढ़ा किया और बोला, नहीं, तुम जैसे घटिया बिजनेसमैन को बचपन खत्म करने की तो बात भी नहीं करनी चाहिए। मुझे भी बचपन में कुछ चीजों से दूर रखा जाता था, तुम इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। लेकिन सिस्टम इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। शायद हमें रिया पर ही ये डिसीजन छोड़ देना चाहिए, या मुझे तुमसे पूरे पैसे रिफंड करवा लेने चाहिए। ठीक है, पॉपअप एड्स नहीं आएंगे, पेरेंट मोड ऑन कर दिया है, सिस्टम ने डिसअपॉइंट होकर कहा। फिर प्रेम ने सिर हिलाकर कहा, मुझे इसमें कोई भी बड़ों वाली चीज नहीं चाहिए, ठीक है? तुम्हें बड़े लोगों के गानों से दिक्कत क्या है? क्या वो गाने नहीं है? कितने लोगों का दिल उन गानों पर फिदा है? अभी इसमें कितने डांस सॉन्ग्स हैं? प्रेम ने बीच में रोक कर कहा और सोचने लगा, ये सिस्टम आखिर समझता क्यों नहीं है यार कि कुछ चीजों बच्चों के लिए नहीं होती हैं। सॉरी, बहुत सारे डांस सॉन्ग से इस दुनिया में असर पड़ सकता था, इसलिए फिलहाल इसमें नानी तेरी मोरनी ही है। जैसे ही रिया ये डांस सीख लेगी, अगला डांस सॉन्ग अनलॉक हो जाएगा। बच्चों के 30 नर्सरी राइम्स इसमें अवेलेबल हैं। प्रेम म्यूजिक बॉक्स उठाकर फेंक नहीं सकता था, उसे सिस्टम पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने म्यूजिक बॉक्स ऑन किया और स्क्रीन पर बहुत सारी लिंक्स दिखने लगी, कपड़े, डांस सॉन्ग्स एटसेट्रा। प्रेम ने सॉन्ग्स पर टैप किया और उसमें काफी नॉर्मल गाने मिले। सबसे पहले लकड़ी की काठी, फिर जॉनी जॉनी, आलू के चालू बेटा, ये सभी गाने बहुत पॉपुलर थे। फिर अचानक एक एड दिखाई दी जिसमें लिखा था, एप स्टोर इज नाउ ओपन, और इसमें काफी सारे होलोग्राफिक गेम एप्स और गेम पैड्स अवेलेबल हैं। उस मोटे आदमी की बात सुनकर बूढ़ी औरत शर्मा गई। दोनों ने एक दूसरे को एम्बैरस होकर देखा और शांत खड़े रहे। मैं जाकर देखती हूँ क्या हो रहा है, उस औरत ने अपना फूलों वाला एप्रॉन निकाला और प्रेम के रेस्टोरेंट की तरफ चली गई। जब गंजे आदमी ने अपने ही जैसे दो ओनर्स को प्रेम के रेस्टोरेंट की तरफ जाते देखा तो उसने स्माइल करके कहा, हम सभी को वहां चलना चाहिए और फूड ट्राई करके देखना चाहिए, शायद हमें उनका सीक्रेट पता चल जाए। बाकी लोगों ने भी स्माइल करके अपनी सहमति दी और मारिया रेस्टोरेंट की तरफ चले गए। और नए कस्टमर्स, प्रेम स्माइल करके सोच रहा था। वो अपना प्राइड छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलने की आवाज के साथ ही कस्टमर्स ने दरवाजे की तरफ देखा। बहुत से लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें प्रेम के रूल्स पता थे तो उन्होंने दरवाजा नॉक नहीं किया था। मैं सुबह से इंतजार कर रहा था प्रेम, मेरे पैर दर्द से टूट रहे हैं, विजय ने दरवाजे पर टिक कर दुख भरी आवाज में कहा। वो लाइन के सबसे आगे खड़ा था। मुझे माफ करना, लेकिन रूल्स तो रूल्स हैं, प्रेम हंसने के अलावा बस इतना ही कह सकता था। उसने विजय की तरफ देखा। विजय पहले से थोड़ा अच्छा दिख रहा था। तुम्हारे रूल्स का थैंक्स, मैं तो अपने पैर भी नहीं हिला पा रहा हूं, विजय ने अपने पैर उठाने की कोशिश करते हुए कहा। वो अभी भी दरवाजा पकड़कर खड़ा था। वो दोबारा अपने घुटनों पर नहीं गिरना चाहता था। चलो भी, मुझे जरा हाथ दो, उसके पीछे खड़ा कस्टमर हंसने लगा। प्रेम ने विजय की मदद की और दरवाजे के पास ही एक टेबल पर उसे बैठा दिया। मैं 3 प्लेट शाही कबाब लेना चाहूंगा, 2 यहीं खाऊंगा और 1 प्लेट लेकर जाऊंगा, विजय ने कहा और तुरंत ही प्रेम का हाथ पकड़ लिया, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। उसने अपनी आवाज धीमी करके कहा, तुम श्योर हो कि यह डिश राजमा चावल जैसी नहीं होगी? मेरी पूरी लाइफ इस बात पर ही डिपेंड करती है। हाँ, मैं श्योर हूँ, प्रेम ने अपना हाथ पीछे करके जवाब दिया और विजय का कंधा थपथपाया। फिर विजय ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा करता हूँ, आप सभी अंदर आ जाइए, प्रेम ने सभी कस्टमर से स्माइल करते हुए कहा। मारिया रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है, यामिनी ने अपने कस्टमर्स के पास आकर स्माइल करके कहा और ऑर्डर लेना शुरू कर दिया। हम बूढ़े आदमी जवानों से ताकतवर नहीं है प्रेम,
हमें बाहर खड़े रहने में काफी प्रॉब्लम होती है, क्या तुम इस बारे में कुछ कर सकते हो? अमित ने कहा। इन दोनों की बात ने वसीम का ध्यान खींच लिया। उसने काले कौवे और हरे तोते को शॉप की देखभाल के लिए छोड़ दिया था और प्रेम के रेस्टोरेंट के सामने करीब आधे घंटे से इंतजार कर रहा था। बाकी कस्टमर्स भी गर्दन उठाकर प्रेम को देख रहे थे और उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। प्रेम ने स्माइल करके नामी से हिलाया, सॉरी लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आप भी जवान लड़कों जितना ही खाते हैं, भले ही आप दिखते नहीं है लेकिन आप स्ट्रांग हैं। अमित ने प्रेम को देखकर सोचा, मैं रिया का मास्टर हूं, मुझे ये कैसे मना कर सकता है। थोड़ी ही देर में सारी टेबल्स भर गई और बाकी कस्टमर्स को अलग से लाइन लगानी पड़ी जो काउंटर से शुरू होकर रेस्टों के बाहर तक लग गई। प्रेम ने जैसे ही लाइन का एंड देखा वो थोड़ा सरप्राइज हो गया और सोचने लगा, आखिरी के सात लोग तो कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं। जैसे ही प्रेम किचन की तरफ जाने को मुड़ा उसे याद आ गया, उन सात लोगों में एक आदमी मीट रेस्टों का ओनर था जिसे प्रेम ने मीट काटते हुए देखा था। बाकी छह लोग भी रेस्टों के ओनर ही थे। वो लोग वहां क्या कर रहे थे ये प्रेम को नहीं पता था, लेकिन प्रेम ने सोचा कि शायद वो लोग यहां भगदड़ मचाने आए हैं। मारिया रेस्टोरेंट पूरे चौराहे पर बहुत पॉपुलर हो चुका था। इतनी अजीब जगह होने के बाद भी इस रेस्टोरेंट ने बहुत सारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर लिया था। ये प्रेम के लिए एक अच्छी खबर थी, लेकिन बाकी रेस्टोरेंट के ओनर्स के लिए ये बहुत बुरी खबर थी। प्रेम ने उन सभी कस्टमर्स का दिल जीत लिया था और ये सभी कस्टमर्स काफी अमीर थे। इनफैक्ट प्रेम को ये पहले से ही पता था क्योंकि वो अपनी पास्ट लाइफ में एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता था। उसने पहले कभी भी बिजनेस वाली लाइफ नहीं फेस की थी, लेकिन उसे बिजनेस वर्ल्ड के बारे में काफी कुछ पता था। प्रेम को पता था कि लोग उसकी रेसिपी कॉपी करने की कोशिश करेंगे। उसकी सारी डिशेस इस दुनिया के किसी भी फूड से नहीं मिलती थी। यहाँ के लोग अपनी कुकिंग के कॉन्सेप्ट पर सोचने के लिए मजबूर हो चुके थे। प्रेम को कॉपी करने वाले लोगों से कोई दिक्कत नहीं थी। ये सभी लोग इस बात का साइन थे कि प्रेम इस दुनिया की ईटिंग और कुकिंग हैबिट्स को बदल रहा था। प्रेम को ये बात काफी अच्छी लगी। उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि कोई उसके डिश कॉपी करके उस जैसी थोड़ी बहुत मिलती जुलती डिश भी बना लेगा। प्रेम सबका आइडल बनने जा रहा था, लेकिन प्रेम इन लोगों को अपने स्किल्स नहीं सिखाना चाहता था। प्रेम अपना बना बनाया बिजनेस नहीं बिगाड़ना चाहता था। ये लोग चाहे तो कोशिश करके ये पता लगा सकते हैं कि मैं अपने डिशेस कैसे बनाता हूं। मैं इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, प्रेम ने मन में सोचा, लेकिन सही तरीका ढूंढते ढूंढते इन्हें सालों लग जाएंगे। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे फूड में सेल्फ डिस्ट्रक्शन डिवाइस लगा सकता हूँ, इससे तुम्हारा सीक्रेट किसी को भी नहीं पता चलेगा, सिस्टम ने सडनली कहा। अब कितना खर्च आएगा, प्रेम ने थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर पूछा। हर डिश के 10 सोने के सिक्के। अब नहीं, रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। प्रेम ने सोचा कि ये डिवाइस तो राजमा चावल से भी महंगी रहेगी। आपके शाही कबाब, यामिनी ने स्माइल करके कहा और उसने प्लेट विजय के सामने रख दी। विजय सुबह से प्रेम के पैरों पर गिड़गिड़ा रहा था। वो बहुत पीला पड़ चुका था और अब तक उसे बहुत भूख लगाई थी। थैंक्स, विजय ने बिना अपना हाथ उठाए कहा। उसका पूरा ध्यान उसके सामने रखे फूड ने खींच लिया था। उसने सुबह लोगों को ये डिश खाते हुए देखा था, लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब वही डिश ठीक उसके सामने रखी थी। शाही कबाब की खुशबू से उसके मुंह में पानी आ रहा था। शाही कबाब की खुशबू ने बाकी लोगों का ध्यान भी खींच लिया था। उन सभी रेस्टोरेंट ओनर्स की आंखें शाही कबाब पर टिक गई थीं। कपिल ने आईब्रो ऊपर करके सोचा, ये क्या है, इसमें सब कुछ इतना बारीक काट कर क्यों डाला गया है, इससे तो टेस्ट और टेक्सचर बिल्कुल बर्बाद हो गया होगा। कपिल के रेस्टोरेंट का मीट चौराहे पर 18वें नंबर का सबसे फेमस फूड था। उसे अपने कस्टमर्स को मीट खाते देखना बहुत पसंद था। विनीता ने जैसे ही शाही कबाब को देखा वो सोचने लगी, इसकी सब्जियां बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ कितने अच्छे से मिल गई हैं, एक साथ मिलकर इनमें से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, इन शाही कबाब में और क्या क्या डाला है, इनके इंग्रेडिएंट्स को इतना बारीक कैसे काटा गया, इसने ये कैसे किया होगा। विनीता की डिशेस फिटनेस बनाने वालों के लिए खास होती थी। उसका रेस्टोरेंट सबसे डिलीशियस फूड सर्व करने वालों में से 13वें नंबर पर था और उसके पास सभी इंग्रेडिएंट्स को बारीक काटने का स्किल भी था। मिलन ने भी अपनी आईब्रो उठाकर शाही कबाब को देखा और सोचने लगा, सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत हाई क्वालिटी के दिख रहे हैं, लेकिन क्या इसने सभी इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर और सीजनिंग डालकर इसे तेल में कुक किया है, इसका टेस्ट कैसा होगा। सभी लोगों को अलग अलग टेस्ट का फूड पसंद आता है, मुझे नहीं लगता कि सभी को यह डिश पसंद आएगी। मिलन के रेस्टोरेंट में सभी टाइप के टेस्ट का फूड अवेलेबल था। कोई खास स्पेशलिटी ना होने के बाद भी उसके पास काफी रेगुलर कस्टमर्स थे। सभी रेस्टोरेंट के ओनर्स के अलग अलग सवाल और डाउट्स थे। वो यहाँ कोई भी परेशानी नहीं खड़ी करना चाहते थे। विजय को समझ आ गया कि लोग उसे घूर रहे हैं।
उसने उन सभी की तरफ देखकर कहा, गाइस प्लीज मुझे ऐसे मत घूरो, तुम लोग मुझे नर्वस कर रहे हो। उसने अपनी प्लेट अपने पास खिसका ली। कपिल ने स्माइल करके कहा, सॉरी डोंट वरी, हम बस देख रहे थे। ओके। विजय वापस अपने फूड को देखने लगा। ये बात बिल्कुल साफ थी कि कपिल की बात से विजय को जरा भी अच्छा फील नहीं हुआ था। विजय के पेट में चूहे कूद रहे थे। उसने एक फोक उठाया और एक शाही कबाब खा लिया। तभी एक वार्म करंट के जैसे उसके गले से नीचे उतरा। उसे अपनी बॉडी के अंदर ऐसे फील हो रहा था जैसे सूखी मिट्टी पर बारिश हो गई हो। उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। उसकी सारी थकान धीरे धीरे गायब हो रही थी। वो पहले जितना पीला भी नहीं दिख रहा था और उसे अपनी स्ट्रेंथ वापस आती हुई फील हो रही थी। विजय की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने सरप्राइज होकर शाही कबाब की तरफ देखा और सोचने लगा, ये वाकई में काम कर रहा है। इसका असर तो मेरे उन सभी गोलियों से भी ज्यादा है और ये काफी डिलीशियस भी है। मेरी पत्नी को भी ये काफी पसंद आएंगे। उसने एक और बाइट ली और अपने फूड में पूरी तरह से खो गया। सातों के साथ रेस्टोरेंट ओनर्स के मुंह में भी पानी आ गया। शाही कबाब और राजमा चावल की खुशबू से कस्टमर्स अब बेचैन हो गए थे। यामिनी ऑर्डर्स ले रही थी और फूड सर्व कर रही थी। उसने अभी तक कोई भी गलती नहीं की थी। वो पूरे टाइम स्माइल करती रहती थी जिससे इंतजार कर रहे कस्टमर्स को थोड़ा रिलैक्स फील होता रहे। फिर सातों रेस्टोरेंट ओनर्स ने राजमा चावल की तरफ देखा और एक ही सवाल सबके मन में आया कि ये क्या है। राजमा को चावल के ऊपर डाला गया है, ये भी टेस्टी हो सकता है, कपिल ने कहा। वो अब और भी ज्यादा कंफ्यूज था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे मिक्स करके राजमा और चावल को क्यों सर्व किया जा रहा था। तुमने उसकी स्मेल ली? तुम्हें नहीं लगता कि ये काफी अलग है? विनीता ने कहा। राजमा चावल की खुशबू शाही कबाब से बहुत तेज थी जिससे विनीता को भूख लगने लगी थी। वो सभी शेफ्स भी थे और रेस्टोरेंट के ओनर्स भी, इसलिए वो सभी जानते थे कि ये डिश कैसे बनाई गई है। हाँ, मेरी डिश में से ऐसी खुशबू नहीं आती, कपिल ने सिर हिलाकर कहा। ना ही मेरी डिश से, बूढ़ी औरत ने कहा। मिलन ने आईब्रो ऊपर करके कहा, मुझे लगता है इसका तरीका वाकई अलग है। मुझे भी यही लगता है कि ये कुछ अलग ढंग से कुकिंग कर रहा है। क्या इसने ये सारी डिशेस खुद ही इन्वेंट की हैं? गंजे आदमी ने पूछा। एक इन्वेंटर, मोहन ने मुंह सिकोड़कर कहा। बहुत सारे रेस्टोरेंट नई डिश इन्वेंट करना चाहते हैं और उनके रेस्टोरेंट हमेशा बंद ही हो जाते हैं। इन सारे लोगों को ये डिश नई होने के कारण ही इंटरेस्टिंग लग रही है। मुझे नहीं लगता कि इनका इंटरेस्ट ज्यादा दिन तक रहेगा। पास बैठे एक कस्टमर ने इन लोगों की बातें सुन ली। उसने मोहन की तरफ देखा और कहा, मुझे माफ करना दादाजी, लेकिन आपकी डिश इन राजमा चावल के आगे कुछ भी नहीं है। फिर उस कस्टमर ने राजमा चावल खाना शुरू किया और आगे कहा, मैं कभी इससे बोर नहीं हो सकता। सारे रेस्टोरेंट के ओनर्स दूसरी तरफ देखने लगे क्योंकि उन्हें झटका लग गया था। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि यहां उन्हें कोई पहचान पाएगा। और इसमें सबसे खराब बात यह हुई कि एक कस्टमर ने उन्हें प्रेम की बुराई करते भी सुन लिया था और उल्टा उनकी ही बुराई कर दी थी, जो कि उनके लिए काफी एम्बैरेसिंग था। मोहन को शर्म आ गई। उसकी डिश चौराहे पर काफी पॉपुलर थी। पिछले साल उसकी डिश को साल की सबसे डिलीशियस 100 डिशेस में शामिल किया गया था। वो ऐसा प्रिटेंड भी नहीं कर सकता था कि उसने अपनी इंसल्ट नहीं सुनी। उसका गुस्सा बढ़ रहा था। शांत हो जाओ, हम यहां खाने आए हैं, कोई परेशानी खड़ी करने के लिए नहीं, मिलन ने मोहन के स्लीव्स खींचकर कहा। अब उनके पास इस इंसल्ट को भूल जाने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। मोहन फूड बिजनेस में सालों से काम कर रहा था, वो बेवकूफ नहीं था। उसने एक लंबी सांस ली और खुद को शांत किया। इसके बाद वो कुछ नहीं बोला। राजमा चावल खाने वाले कस्टमर का लड़ाई करने का कोई इंटेंशन नहीं था। वो वापस अपने राजमा चावल खाने लगा। थोड़ी देर में और भी लोगों ने इन लोगों को पहचान लिया और उनसे पूछा कि वो लोग यहां क्या कर रहे हैं। हम तो यहां बस एक छोटे से गेट टुगेदर के लिए आए हैं, मिलन ने बेमन से स्माइल करते हुए कहा। ये सभी लोग यहां कभी नहीं आते अगर उन्हें ये पता होता कि उनके बहुत सारे रेगुलर कस्टमर्स यहां मिल जाएंगे। यामिनी ने भी इन लोगों को पहचान लिया। वो ये सोचकर थोड़ी परेशान हो गई थी कि ये लोग आखिर यहां क्या करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी यामिनी इन लोगों के पास स्माइल करके गई और मेनू दिखाकर पूछा, क्या मैं आपके ऑर्डर ले सकती हूँ? बूढ़ी औरत ने जैसे ही मेनू खोलकर देखा, उसके वर्ड्स अंदर ही अटक गए। फिर उसने कहा, क्या तुम लोगों के प्राइस बहुत ज्यादा हैं? वो यामिनी को घूर रही थी। हाँ, ये डिशेस काफी महंगी हैं, एक और आवाज आई।
इस पूरे राज्य के सबसे फेमस रेस्टोरेंट में भी इतनी महंगी कोई डिश नहीं थी। उन लोगों को शाही कबाब इतने भी अच्छे नहीं दिख रहे थे। मोहन की डिश का प्राइस बस 5 कॉपर के सिक्के थे। इन सभी के रेस्टोरेंट में सबसे महंगी डिश 200 कॉपर के सिक्कों में आ जाती थी, लेकिन प्रेम के मेनू की प्राइसेस बिल्कुल ही अलग थे। उन्होंने सोचा कि शायद प्रेम सभी को बर्बाद करना चाहता है, या तो प्रेम इन लोगों को अपने प्राइस दिखाकर डराना चाहता है। वो सभी यामिनी को घूर रहे थे और उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। यामिनी ने ना में सिर हिलाया और स्माइल करके कहा, सॉरी, लेकिन इस मेनू में कोई खराबी नहीं है, हमारे प्राइसेस रीजनेबल हैं। यामिनी को अब इस सब की आदत हो चुकी थी, क्योंकि बहुत से लोगों ने रेस्टोरेंट के प्राइस पर सवाल उठाए थे। जिन लोगों को प्राइस से दिक्कत होती थी वो चले जाते थे, लेकिन जो भी लोग रुक कर डिश ट्राई करते थे वो हमेशा खुश होकर ही लौटते थे। इस बात से यामिनी बहुत खुश थी और वो प्रेम के स्किल्स की तारीफ करती थी। उसे नहीं पता था कि ये सारे रेस्टोरेंट के ओनर्स यहाँ क्यों आए थे। उसे डर था कि शायद ये लोग यहाँ कोई परेशानी खड़ी कर सकते थे। यामिनी को लड़ाई से डर नहीं लगता था, शायद वो अकेले ही इन सभी लोगों से निपट सकते थे, लेकिन उसे लड़ाई करना पसंद ही नहीं था। विनीता ने अपनी आईब्रो ऊपर करके कहा, तुम्हें ये प्राइजेस? मैं एक शाही कबाब और राजमा चावल लेना चाहूंगा, कपिल ने बीच में इंटरप्ट करके कहा। विनीता ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मुझे भी एक प्लेट शाही कबाब और राजमा चावल ले आओ। इन सभी लोगों के यहाँ बैठकर खाने की एक बड़ी वजह थी, प्रेम ने भीड़ बढ़ाने के लिए इन लोगों को हायर नहीं किया था। जैसे ही विनीता ने रमन को देखा, वो सोचने लगी, कोई भी इंसान देवी मंदिर के मैजिशियंस को भीड़ बढ़ाने के लिए हायर नहीं करेगा, जबकि ये तो कितना पावरफुल दिख रहा है। मैं एक प्लेट राजमा चावल खाना चाहूंगा, मोहन ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा। मैं दिन भर में बस 300 कॉपर के सिक्के ही कमा पाती हूँ, और मैं वो सारे पैसे राजमा चावल पर बर्बाद नहीं करूंगी, बूढ़ी औरत ने कहा और रेस्टोरेंट के बाहर चली गई। सभी ओनर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। बूढ़ी औरत के रेस्टोरेंट की हालत इन दिनों ठीक नहीं थी। उसकी डिश अब पहले जितनी अच्छी नहीं रही थी। एक समय था जब उसकी डिश सबसे डिलीशियस 50 डिशेस में शामिल थे, लेकिन ये काफी सालों पुरानी बात हो गई थी। अब वो ऐसा टेस्ट दोबारा नहीं सर्व कर सकती थी। उसका बेटा और उसकी बहू कुछ साल पहले ही मर गए थे। उसका ग्रैंडसन काफी मदद करता था, जबकि उसके पास कुकिंग का कोई टैलेंट भी नहीं था। उनकी डिशेस का टेस्ट दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। बस कुछ ही लोग सिंपथी के कारण वहां खाने जाते थे। बूढ़ी औरत बड़ी मुश्किल से पैसे कमा रही थी। बाकी सभी रेस्टोरेंट ओनर्स ने अपने ऑर्डर्स बता दिए। ठीक है, लेकिन शाही कबाब खड़े होकर खाना थोड़ा कठिन है। अगर आप लोग चाहो तो मैं तब तक आपके राजमा चावल लेकर आ जाती हूँ, यामिनी ने स्माइल करके कहा। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हम वेट कर लेंगे, हम जब बैठ जाएं तभी हमारे फूड सर्व करना, मोहन ने कहा। बाकी लोगों ने भी एग्री करते हुए सिर हिला दिया। ये सभी यहाँ फूड टेस्ट करने और उसे एंजॉय करने आए थे। ठीक है, ये कहकर यामिनी किचन की तरफ चली गई। बॉस, क्या ये लोग यहाँ कोई परेशानी खड़ी करने आए हैं? उसने फुसफुसाते हुए प्रेम से कहा। अरे नहीं नहीं, डोंट वरी, मुझे नहीं लगता कि इन लोगों में ऐसा करने की हिम्मत है। प्रेम समझ चुका था कि इन लोगों से कोई खतरा नहीं था, वो लोग बस इस रेस्टोरेंट को करीब से जानना चाहते थे। अगर वो लोग कुछ गलत करने का सोचते भी तो रिया उनके लिए अकेली ही काफी थी, और फिलहाल तो प्रेम के पास 2 पावरफुल मैजिशियंस भी थे। ये लोग यहाँ क्यूरियस होकर ही आए थे। प्रेम सोच रहा था कि जब उसका रेस्टोरेंट पहले इस चौराहे पर, फिर ककाओ गांव में, और फिर जब पूरे राज्य में फेमस हो जाएगा, तो ऐसे और भी ओनर्स उसके पास डिशेस सीखने के लिए आया करेंगे। मुझे लगता है कि इन लोगों को भी हमारा फूड पसंद आएगा, प्रेम ने कहा और शाही कबाब एक प्लेट में रख दिए। हाँ, ऐसा ही कुछ होगा, यामिनी ने प्लेट उठाकर कहा। प्रेम की कामनेस से उसकी वेट्रेस भी शांत हो गई थी। यामिनी की स्माइल वापस लौट आई थी। यामिनी को पूरा यकीन हो चुका था कि उसके बॉस से अच्छा फूड कोई भी कुक नहीं कर सकता था। यामिनी ने इसके पहले भी एक रेस्टोरेंट में सालों तक काम किया था, लेकिन प्रेम के बहुत से इंग्रेडिएंट्स अभी भी उसकी समझ से बाहर थे। यामिनी की आंखों में प्रेम बहुत जीनियस था। प्रेम ने एक से बढ़कर एक डिशेस बनाई थी, और ऐसा लगता था जैसे उसके हाथों में कोई जादू था। प्रेम किसी को भी एक आम इंसान नहीं लगता था। रिया, क्या तुम्हें भूख लगी है? तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद सकता हूँ, अमित ने स्माइल करके रिया से कहा। फिर उसने वसीम को घूर कर देखा। अमित वसीम को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसने रिया से वादा किया था कि जब रिया उसके अंडर में सीखेगी तो वो रिया की मील्स पे करेगा।
रिया के मेल्स सस्ते नहीं थे। वसीम को यह बात अच्छी नहीं लगी और उसकी चम्मच जम गई। नो थैंक यू मास्टर, आधी दाढ़ी वाले, मेरा पेट भरा हुआ है, रिया ने स्माइल करके कहा। लेकिन अगर आप मेरे लिए वाकई कुछ खरीदना चाहते हैं तो जब भी मैं आपके अंडर में सीखूंगी तो आप मेरे मील्स के लिए पे कर देना। अमित चौंक गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वसीम को चिढ़ाने के चक्कर में उसके अपने पैर पर कुल्हाड़ी गिर जाएगी। वसीम के चेहरे पर स्माइल आ गई। रिया, मैं तुम्हारे डिनर के लिए भी पे करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने कहा और उसकी आवाज में खुशी साफ झलक रही थी। रिया ने खुश होकर कहा, थैंक यू मास्टर कछुआ। फिर वो वापस अमित की तरफ मुड़ गई और उसके जवाब का इंतजार करने लगी। ठीक है, मैं जब भी तुम्हें सिखाऊंगा तो तुम्हारी मील्स के लिए पे करूंगा, अमित ने लंबी सांस लेकर कहा। अमित के पास रिया की क्यूटनेस के आगे हार मान लेने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। अमित के पास काफी पैसे थे इसलिए वो रिया के मील्स अफोर्ड कर सकता था। अमित को आज भी रॉयल फैमिली से सैलरी मिलती थी। वो अपने सारे सिक्के एक बड़े कमरे में रखता था। सालों पहले ही वो कमरा सिक्कों से भर गया था। आदर्श ने वो सारे सिक्के एक बड़े कमरे में भर दिए थे और पुराने सिक्कों से नए सिक्के भी एक्सचेंज कर लिए थे। वो बहुत रेयर सिक्कों से काफी पैसे भी आए थे। अमित को तो ये भी नहीं पता था कि उसके पास आखिर कितने सारे पैसे हैं। अमित ने डिसाइड किया था कि वो आदर्श को लेटर लिखकर सारे पैसे लाने को बोलेगा। अगर अमित रिया का दिल जीतना चाहता है तो वो पैसे बहुत जरूरी चीज थे। थैंक यू मास्टर, आधी दाढ़ी वाले, रिया ने खुश होकर कहा और टेबल पर बैठे बैठे अपने पैर हिलाने लगी। अगली डकलिंग रिया की गोदी में ही सो रही थी। रिया के हिलने से वो उठ गई। उसने अपनी आंखें खोली और बहुत दुखी दिखने लगी। रिया ने हिलना बंद कर दिया। क्या तुम कुछ कहना चाहती हो अगले डकलिंग, उसने बिल्ली की तरफ देखकर पूछा। बिल्ली ने तुरंत ना में अपना सिर हिला दिया और अच्छी बिल्ली की तरह रिया की तरफ देखकर बोली, अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। बिल्ली को समझ में नहीं आया कि रिया अचानक बदल कैसे गई थी। अगर मुझे कुछ अच्छा लगा तो मुझे तुम्हें वो चीज देने में खुशी होगी, मैं काफी अच्छी हूँ, रिया ने कहा। बिल्ली थोड़ी देर हेजिटेट हुई, फिर उसने रिया के पैर की तरफ पॉइंट करके अपने पैर हिलाए और सोने की एक्टिंग करके बताई। फिर रिया की तरफ एक्सपेक्टेंट होकर देखने लगी। रिया ने उसके बालों पर हाथ फेर कर कहा, मुझे पता था कि तुम्हें मुझसे ही कोई प्रॉब्लम हुई है, रिया बिल्ली का चेहरा दबाते हुए हंसने लगी और बिल्ली रोने लगी। रिया का मजाक करते करते जब तक मन नहीं भरा तब तक वो रुकी नहीं। वो बिल्ली का चेहरा दबाए हुई थी। अगर तुम्हें मेरा पैर हिलाना पसंद नहीं तो तुम हमेशा जमीन पर सो सकती हो। अगली डकलिंग ने पहले जमीन की तरफ देखा और फिर रिया के पैरों की तरफ, फिर वापस रिया के पैरों पर सो गई। इतने डिलीशियस फूड के कारण लोग बहुत जल्दी जल्दी खा रहे थे। थोड़ी ही देर में लाइन छोटी होती गई। बहुत से लोग तो बाहर खड़े होकर ही राजमा चावल खाने लगे थे। ऐसा कहा जाता था कि राजमा चावल चलते चलते खाने में ज्यादा मजा आता है। रिया ने जैसे ही बाकी रेस्टोरेंट ओनर्स को देखा उसके चेहरे पर रौनक आ गई। हरी प्याज वाले दादाजी, मीट वाले अंकल, फूलों के एप्रन वाली आंटी, आप लोग यहां क्या कर रहे हैं? थोड़ी देर को तो वो लोग फ्रीज हो गए। उन्हें तो खुद भी ये निकनेम नहीं पता थे। और तो और उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो लोग रिया को जानते भी हैं या नहीं। उन सभी के निकनेम बहुत अजीब थे, फिर भी वो काफी एक्यूरेट थे। क्या आप लोग यहां कोई परेशानी खड़ी करने के लिए आए हैं, रिया ने क्यूरियस होकर पूछा। रिया का सवाल सुनकर सभी ओनर्स हैरान रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ओनर की लड़की उनसे ये सवाल पूछेगी। थोड़ी देर तक उन्हें ये समझ नहीं आया कि क्या जवाब देना है। जैसे ही रिया ने उनको पॉइंट करके कहा तो और भी लोगों ने उन्हें पहचान लिया। सभी रिया की बात सुनकर सोच में पड़ गए थे कि क्या सचमुच ये रेस्टोरेंट ओनर्स यहाँ कोई परेशानी खड़ी करने आए हैं। अमित और वसीम ने उन लोगों की तरफ मुड़कर सोचा कि इन्हें यहाँ कुछ भी अजीब नहीं करना चाहिए। रमन इन लोगों को सरप्राइज होकर देख रहा था और सोच रहा था कि अगर ये लोग यहाँ कुछ भी करने वाले हैं तो ये लोग वाकई पागल हैं। मैं आपके रेस्टोरेंट में आया करती थी, आपकी डिशेस काफी टेस्टी होती थी, रिया ने आगे कहा और उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। लेकिन आप हमारे रेस्टोरेंट में क्या कर रहे हैं, क्या आप यहाँ कुछ खाने आए हैं? पापा के रेनबो शाही कबाब और राजमा चावल बहुत डिलीशियस हैं। आप यहाँ कोई परेशानी तो नहीं खड़ी करेंगे ना, वरना मुझे गुस्सा आ सकता है, रिया ने गुस्से में मुट्ठी बांधकर कहा। ये कितनी एडोरेबल है, विनीता ने स्माइल करके कहा। विनीता के छोटे छोटे दो बच्चे थे जो घर में रुकने के बजाय दोस्तों के साथ घूमना ज्यादा पसंद करते थे। उसने काफी समय से इतनी क्यूट लड़की नहीं देखी थी। उसके भीतर ममता जाग उठी। हम यहाँ कोई तमाशा करने नहीं आए हैं,
कपिल ने रिया को देखकर हाथ हिलाते हुए कहा और सोचने लगा, इसे मेरी डिशेस पसंद है। इसने जो निक ने मुझे दिया वो काफी अजीब है, लेकिन फिर भी मुझे पसंद आया। अब इसे मैं कैसे समझाऊं कि हम लोग आखिर यहाँ क्यों आए हैं? प्यारी बेटी, हम यहाँ खाना खाने आए हैं, ना कि कोई परेशानी खड़ी करने, मिलन ने काम होकर स्माइल करते हुए कहा। सच में? रिया ने डाउट में पूछा। फिर उसने अपने हाथ नीचे कर लिए और सिर हिलाकर बोली, ठीक है। सभी ओनर्स ने राहत की सांस ली। रिया के घूरने से वो लोग बहुत घबरा गए थे। सॉरी सॉरी, प्लीज मेरी बेटी को माफ कर देना, वो थोड़ी रूड है, प्रेम ने उनके बगल वाली टेबल पर शाही कबाब की प्लेट रखकर स्माइल करते हुए कहा। उसने रिया का सिर छुआ, लेकिन वो रिया को ब्लेम नहीं कर रहा था। मुझे नहीं लगता कि ये लोग यहाँ अच्छे इंटेंशन से आए थे। रिया की बातों से इन्हें वार्निंग मिल गई होगी, प्रेम ने सोचा। प्रेम अच्छों के लिए बहुत अच्छा था और बुरों के लिए बहुत बुरा। माफ करने जैसा कुछ नहीं है। ये कितनी क्यूट बच्ची है, विनीता ने प्रेम को ऊपर से नीचे देखकर कहा। उसे प्रेम को देखकर अच्छा लगा क्योंकि वो काफी साफ और हैंडसम था। हम सभी के चौराहे पर रेस्टोरेंट्स हैं, मिलन ने स्माइल करके कहा। ऐसा लगता है आजकल तुम्हारा बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ फूड ट्राई करने आए हैं। मिलन करीब 40 साल का था। उसके हाइट और हेल्थ एवरेज थे। वो काले रंग का शॉर्ट कोट पहने था और उसके बाल काफी अच्छे से कटे थे। प्रेम ने उसकी तरफ स्माइल करके कहा, वेलकम, प्लीज बैठ जाइए और थोड़ी देर वेट कीजिए। प्रेम ने अभी अभी खाली हुई एक टेबल की तरफ इशारा कर दिया। फिर वो मुड़ा और किचन की तरफ चला गया। बाकी कस्टमर्स डिसअपॉइंट होकर अपना फूड एंजॉय करने लगे। उन्होंने सोचा था कि ये लोग कम से कम झगड़ा तो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये मुझे अच्छा आदमी लगा, विनीता ने बैठते हुए कहा। विनीता की उम्र भी 40 से ज्यादा हो गई थी, लेकिन उसकी स्किन अभी भी काफी सॉफ्ट थी। हाँ, सब्जियां काटने और बर्तन धोने के कारण बस उसके हाथ थोड़े से रफ हो गए थे। तभी मोहन ने कहा, हाँ मैं तो उसकी उम्र में काफी गुस्सैल था। तुम अभी भी काफी गुस्सैल हो, गंजे आदमी ने स्माइल करके कहा और सभी हंसने लगे। मोहन अपने गुस्से का कारण जानता था और उसके गुस्से के कारण ही उसके तीनों बेटों की परवरिश अच्छी हुई थी। उसके तीनों बेटे इतने काबिल हो चुके थे कि उनमें से कोई भी मोहन का रेस्टोरेंट चला सकता था। वैसे टाइम के साथ साथ मैं भी थोड़ा काइंड हो गया हूँ, मोहन ने शर्माते हुए कहा। विनीता रिया की तरफ मुड़ी और स्माइल करके बोली, तुम शायद रिया हो? फिर रिया ने कहा, हाँ मैं ही रिया हूँ, लेकिन फूलों के एप्रन वाली आंटी, आपका एप्रन कहाँ है? मैं उसे रेस्टोरेंट में ही छोड़ आई, विनीता ने स्माइल करके कहा। क्या तुम्हें वो पसंद है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी एक वैसा ही एप्रन दे दूंगी। हाँ थैंक यू, जब मैं पापा से कुकिंग सीखूंगी तो मैं उसे पहन लूंगी, रिया ने खुश होकर ताली बजाते हुए कहा। आपके राजमा चावल प्लीज एंजॉय कीजिए, यामिनी ने टेबल पर प्लेट रखते हुए स्माइल करके कहा। दूसरी तरफ एक दलदल में उत्कर्ष ने धीरे से घास हटाई। देखो वहां, उसने एक्साइटेड होकर बिल्कुल धीमी आवाज में कहा। वो एक हरी आंखों वाले 30 मीटर लंबे सांप की तरफ पॉइंट कर रहा था। वो रहा हरी आंखों वाला जादुई सांप। इसकी कीमत 20 प्लेट राजमा चावल के बराबर है। 20 प्लेट राजमा चावल बराबर? निखिल और निहाल ने धीमे से कहा। उनकी आंखों में एक्साइटमेंट की चमक थी। उनमें से एक बोरी पकड़े था और दूसरा लोहे की रॉड। इस दलदल को काला दलदल कहा जाता था और ये ककाओ गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में था। यहाँ बड़े बड़े राक्षस रहते थे। शांत पहाड़, अंधेरे जंगल, कांटों की घाटी यहाँ से ज्यादा दूरी पर नहीं थे। इन सभी जगहों पर अलग अलग तरह के जादुई जानवर रहा करते थे। अलग अलग तरह की जड़ी बूटी भी यहाँ मिल जाती थी। अब ज्यादा राक्षस नहीं बचे थे और ज्यादातर वो सभी अपने आइलैंड में रहते थे। कोई भी इन खतरनाक जगहों पर आने की हिम्मत भी नहीं उठाता था। ये लोग इसी बात को अपनी ढाल बनाकर यूज कर रहे थे। कोई भी बिना पावर वाला और बिना उड़ने वाला इनकी ढाल नहीं तोड़ सकता था। इतने सालों में ये जगह एडवेंचर्स के लिए जन्नत हो गई थी। ककाओ गांव में होने वाले कॉम्पिटिशन से जुड़ी सभी चीजें यहाँ मिल जाती थी। कुछ कॉम्पिटिशन आसान होते थे और कुछ काफी कठिन। कठिन कॉम्पिटिशन के प्राइस भी ज्यादा बड़े होते थे। एक सुनहरे राक्षस का सिर करीब 100 मिलियन कॉपर के सिक्कों के बराबर होता था, जबकि कुछ रेयर हर्ब्स और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स ढूंढने पर बस 10 सिक्के ही मिल पाते थे। आसान कंपटीशन में खतरा भी कम होता था और इन्हें कमजोर लोग भी कर लेते थे। बॉस, 20 प्लेट राजमा चावल तो ये हुए हैं और 12 प्लेट का बंदोबस्त पहले से ही हमारे बैग में है। अब हमें आज रात और कल के खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, निहाल ने स्माइल करके कहा। वो अपने हाथ में एक भारी बैग लिए हुए था। काले दलदल में अंदर की तरफ जहरीला कोहरा छाया हुआ था। बिना प्रॉपर प्रोटेक्शन के इस जगह पर आने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी।
उत्कर्ष और उसके दोनों साथियों की बॉडी पर जलने वाली आग से उन्हें प्रोटेक्शन मिल रही थी। जहरीला कोहरा उन तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। अपनी आंखें उससे मत हटाना, अगर वो जमीन में घुस गया तो अपने राजमा चावल को बाय बाय कह देना, उत्कर्ष ने सीरियस होकर कहा। तुम दोनों पीछे से कवर करो, मैं जमीन को गर्म करता हूँ जिससे इसके भागने के रास्ते बंद हो जाएं, और फिर मैं लावा मेटियोरिटीज समन कर लूंगा। तुम लोग सही मौके का इंतजार करना और मौका आते ही बोरी से इसे पकड़ लेना, और याद रहे इसे मारना मत, इसे जिंदा पकड़ने की कीमत 30 प्लेट राजमा चावल के बराबर है। ये सब इतना आसान है? निहाल ने अपना सिर खुजलाते हुए पूछा। हाँ, इसका हथियार इसकी आंखें हैं। अगर तुम 3 सेकंड्स तक इसकी आंखों में देखोगे तो ये तुम्हें इल्यूजन में डाल देगा। बस इसलिए हम अपने साथ बोरी लेकर आए हैं। चिंता मत करो, यह जहरीला नहीं है, उत्कर्ष ने निहाल के सिर पर मारते हुए कहा। इसे पकड़ने के बाद हम आगे चलेंगे और ग्रीन शेडो वॉल्फ को पकड़ने की कोशिश करेंगे, जिसे मैं लास्ट टाइम नहीं पकड़ पाया था। क्या तुम्हें पता है उसका फर 100 प्लेट राजमा चावल के बराबर है? ठीक है बॉस, निखिल और निहाल ने एक्साइटेड होकर कहा। वो धीरे धीरे सांप की तरफ बढ़ने लगे। वो तीनों योद्धा थे और उनकी रगों में शिकारियों का खून दौड़ता था। वो कभी भी शिकार करते वक्त आवाज नहीं करते थे। सांप अभी भी अपनी जगह पर बैठा हुआ था। उसे नहीं पता था कि उसके चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है। तीनों लावा डीमंस ने एक दूसरे की तरफ देखकर सिर हिलाया। उत्कर्ष ने अपने दोनों हाथ जमीन पर रख दिए। उसके हाथों में आग लग गई और जमीन पर फैलते हुए सांप तक पहुंच गई। जमीन में चारों तरफ तुरंत आग लग गई। जमीन से आ रही हीट फील करते ही सांप ने अपना सिर उठा लिया। वह एकदम चौकन्ना हो गया था। उसने उत्कर्ष को देखकर अपनी जीभ बाहर निकाल ली और अब वो वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। आ जाओ लावा मेटियोरिटीज, इतने में ही सारा माहौल लाल दिखने लगा। सिर के साइज के जलते हुए पत्थर हवा से जमीन पर सांप के सामने गिरने लगे और उसका पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। अभी, उत्कर्ष ने जोर से चिल्लाया और सांप की तरफ बढ़ने लगा। राजमा के लिए, निखिल और निहाल ने भी आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वहां बस तीन लोगों की आवाज ही आई थी, लेकिन वो आवाज काफी तेज और इंस्पायरिंग थी। सांप पत्थरों से बचता हुआ उन लोगों पर हमला करने का मौका ढूंढ रहा था, लेकिन जब तक उसे मौका मिलता उसके ऊपर बोरी डाली जा चुकी थी और फिर वो बेहोश हो गया। निहाल ने तुरंत बोरी बांध दी। बॉस, हमने कर दिखाया, उसने उत्कर्ष से एक्साइटेड होकर कहा। हाँ, हमने कर दिखाया, उत्कर्ष ने स्माइल करके रिप्लाई दिया। हमें कोई नहीं हरा सकता। राजमा के लिए, निहाल ने स्माइल करके कहा। जब हमारा ग्रुप और भी ताकतवर हो जाएगा तो शायद हम गोल्डन राक्षस को भी मार गिराएंगे। इससे हमें सालों के लिए राजमा चावल खरीदने के पैसे मिल जाएंगे, निखिल ने कहा। ये मैं करके रहूंगा, उत्कर्ष ने कहा, और उसके बाद तीनों ने एक साथ कहा, हम ये करके रहेंगे। वो तीनों राजमा चावल की बात करते हुए आगे चले गए। वहीं दूसरी तरफ प्रेम के रेस्टोरेंट के अंदर, क्या यह सचमुच इतना अच्छा है? सभी ओनर्स अपने हाथ में राजमा चावल की प्लेट को देखकर सोच रहे थे। राजमा चावल की खुशबू से उनके मुंह में पानी आ रहा था। टिश्यू पेपर पर बनी फोटो ने उनका ध्यान खींच लिया। वो सभी चौंक गए। प्रेम ने ना सिर्फ एक आधी राक्षस को अपनी वेट्रेस बनाया था, जबकि अपनी आधी बॉनी बेटी को उसने अपने रेस्टोरेंट का ट्रेडमार्क बनाया था। कपिल ने अपनी राजमा चावल की प्लेट उठाई और एक बाइट ले ली। बाकी रेस्टोरेंट के ओनर्स कपिल की तरफ देख रहे थे। कपिल को इंग्रेडिएंट्स की अच्छी समझ थी, इसलिए सभी उसके रिव्यू का इंतजार कर रहे थे। कपिल ने धीरे धीरे अपना फूड चबाया। राजमा अंदर और बाहर दोनों तरफ से बहुत सॉफ्ट थे। उन्हें चबाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। राजमा में हल्की सी एक मिठास भी थी। राजमा की ग्रेवी ने भी उसका टेस्ट काफी बढ़ा दिया था। ये ग्रेवी किस चीज से बनाई है, कपिल सोचने लगा। उसे समझ नहीं आया। वो पिछले 20 साल से फूड बिजनेस में था। उसे इंग्रेडिएंट्स की काफी अच्छी समझ थी, लेकिन उसने आज तक ऐसी ग्रेवी पहले कभी टेस्ट नहीं की थी। इस ग्रेवी की खुशबू ही अलग थी। मसालों से एक बहुत अच्छा फ्लेवर बन चुका था। कपिल को अपने टेस्ट बड्स खुशी से चिल्लाते हुए फील हो रहे थे। जैसे ही उसने थोड़ा और चबाया, वो राजमा चावल में बिल्कुल से खो गया। कपिल को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसने सोचा था कि इस ग्रेवी में बहुत तेल का स्वाद आएगा, लेकिन वो गलत था। मसालों से टेस्टी जूस निकल रहे थे। उसने जैसे ही स्वैलो किया, उसे थोड़ा गर्म महसूस हुआ। उसे अपना ब्लड फ्लो बढ़ता हुआ फील होने लगा। आह, क्या बात है, कपिल के खुशी के आंसू आ गए। उसका बॉडी फैट शेक करने लगा। हालांकि यह सिद्धार्थ और उसके दोस्तों जितना तेज शेक नहीं कर रहा था, क्योंकि कपिल का फैट कम था और वो काफी मस्कुलर था। फिर बाकी ओनर्स ने पूछा। कपिल का रिएक्शन बहुत एक्सट्रीम था।
अगर वो सभी एक साथ नहीं आए होते तो इन लोगों को यही लगता कि कपिल एक फेक कस्टमर है जिसे प्रेम ने हायर किया है। यह डिश काफी अच्छी है, कपिल ने सिंपली कहा और अपनी आंखें राजमा चावल से अलग नहीं की। राजमा चावल का टेस्ट अभी भी उसके मुंह में बना हुआ था। उसने एक और बाइट ली और डिलीशियस फूड में दोबारा खो गया। उसकी बॉडी में खून नदी जितनी तेज बह रही थी। कपिल समझ गया था कि ये कोई आम राजमा चावल नहीं थे, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो एक के बाद एक राजमा चावल की चम्मच भर भर के खाता जा रहा था। बाकी ओनर्स कपिल की तरफ ध्यान से देख रहे थे। उन्हें ये बात साफ समझ आ चुकी थी कि कपिल को ये फूड इतना पसंद आया था कि उसके पास इन लोगों की बात का जवाब देने तक का समय नहीं था। क्या वाकई में ये इतना अच्छा है? मोहन ने राजमा चावल अपने मुंह में रखते हुए बड़बड़ाया। मोहन की डिश पूरे चौराहे पर काफी फेमस थी, या शायद उसे ऐसा लगता था। पिछले कंपटीशन के दौरान उसकी डिश सबसे डिलीशियस 100 डिशेस में शामिल नहीं हो पाई थी, जो कि काफी दुख की बात थी। लेकिन उसका बिजनेस काफी अच्छा चलता था। वो डेली अपनी 1000 डिशेस बेच लेता था। जैसे ही मोहन ने राजमा चावल चबाए, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई चीज इतनी टेस्टी कैसे हो सकती थी। उसे लगा था कि राजमा को चावल के साथ खाना इतना भी टेस्टी नहीं होगा, जबकि राजमा और चावल एक साथ मिलकर एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना रहे थे। वो एक दूसरे में अच्छे से मिल गए थे। वो सपने में भी कभी इतनी डिलीशियस डिश बनाने के बारे में नहीं सोच सकता था। ब्लड फ्लो बढ़ जाने से वो दोबारा यंग फील करने लगा था। उसे नहीं पता था कि राजमा चावल में ऐसा क्या था जो उसे ऐसी फीलिंग्स आ रही थीं। मोहन ने अपनी डिश खुद इन्वेंट की थी। उसके तीनों बेटों ने भी ये डिश अच्छे से सीखकर मास्टर कर ली थी। हालांकि जब भी मोहन के बेटे कुछ नया बनाने की कोशिश करते, मोहन हमेशा उन्हें रोक देता। उसके बेटे हमेशा एक ही डिश बनाते रहते थे। शायद अब समय आ चुका था जब मोहन अपने बेटों को उनके मन का करने के लिए उन्हें मना नहीं करता था। मोहन अब उस कस्टमर की बात पूरी तरह से अग्री कर रहा था जिसने कहा था कि मोहन की डिश राजमा चावल के आगे कुछ भी नहीं है। बस एक ही चीज थी जो मोहन की डिश में थी, वो ये थी कि मोहन की डिश काफी सस्ती थी। लेकिन अब मोहन को ये राजमा चावल महंगे नहीं लग रहे थे। अगर मोहन कभी ऐसी जादुई डिश बना पाता तो इसकी प्राइस 400 या 600 कॉपर के सिक्के रखता। ये बहुत अच्छे हैं, मोहन ने कहा और वापस अपना फूड एंजॉय करने लगा। उसके चेहरे पर एक स्माइल बनी हुई थी। मोहन को राजमा चावल में खोया हुआ देखकर बाकी ओनर्स भी खुद को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाए। आह, उन सभी के मुंह से एक साथ आवाज आई। वो बहुत सरप्राइज हो गए थे। वो सोच रहे थे कि कपिल और मोहन बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन अब उन्हें सच्चाई का पता चल चुका था। आह, मैंने इससे आधी अच्छी डिश भी कभी नहीं खाई, विनीता ने कहा। ओनर वाकई बहुत जीनियस है। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि सबसे डिलीशियस 10 डिशेस के कॉम्पिटिशन में ये चीज अगले महीने ही शामिल हो जाएगी, मिलन ने अग्री होकर कहा और फिर प्रेम को किचन में देखने लगा। मैं तुम्हारी बात से अग्री करती हूँ, विनीता ने कहा। मुझे तो लगता है कि ये टॉप 5 में शामिल होगा, विनीता ने जैसी एम्बैरेसिंग आवाज निकाली थी उससे उसे काफी झटका लगा था। लेकिन उसके सभी साथी भी अपने फूड में ऐसे ही खोए हुए थे। विनीता खुद भी एक कुक थी, लेकिन वो इस बात से अग्री करती थी कि उसके सामने रखे राजमा चावल बहुत अच्छे थे। अब उसे भी इनकी प्राइस वर्दी लगने लगी थी। उसे तो समझ भी नहीं आ रहा था कि किसी चीज को इतना सॉफ्ट और मसालेदार कैसे बनाया जा सकता है। इसने ऐसा क्या यूज किया है? इसने हर चीज में इतने फ्लेवर्स कैसे लाए? इसकी डिश में तेल का टेस्ट अलग से क्यों नहीं आ रहा है? राजमा को चावल के साथ खाना एक कमाल का आइडिया था। इसने कौन से मसाले यूज किए हैं? सभी ओनर्स के दिमाग में ऐसे कई सवाल चलने लगे थे। ये वाकई टॉप 5 डिलीशियस फूड में शामिल होने लायक है, या टॉप 3 में। लेकिन कॉम्पिटिशन में नंबर ऑफ कस्टमर्स और उनके कमेंट्स भी मायने रखते हैं। ये जगह इतनी बड़ी नहीं है, और अगर ये चाहता है कि इसकी डिश टॉप 5 में शामिल हो जाए तो इसे और कस्टमर्स की जरूरत पड़ेगी, मिलन ने कहा। मिलन की बात बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये डिश बहुत सी चीजों में बहुत आगे है, कपिल ने अपनी प्लेट नीचे रखते हुए कहा। मुझे लगता है कि कोई भी डिश बिना 1000 कमेंट्स के सालों से टॉप 5 में शामिल नहीं हो पाई है। काफी टाइम से मैंने इतनी अच्छी कोई भी चीज नहीं खाई थी। वेट्रेस, मैं एक प्लेट राजमा चावल और खाना चाहूंगा। मैं भी एक प्लेट राजमा चावल लेना चाहूंगा, मोहन ने यामिनी से कहा। ठीक है, प्लीज वेट कीजिए, यामिनी ने स्माइल करके रिप्लाई दिया। उसकी आंखें खुशी से भर गई थीं। उसे समझ आ चुका था कि कोई भी प्रेम के फूड से खुद को बचा नहीं सकता था, चाहे वो खुद ही कुक क्यों ना हो। प्रेम ने बाकी ओनर्स की तरफ देखा और स्माइल करके सोचने लगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी डिशेस चर्चा का मुद्दा बन जाएंगी। डिलीशियस टॉप 10 डिशेस, हर चीज में 5 स्टार्स, इन लोगों को इस सब की इतनी परवाह क्यों है?
हर चीज में 5 स्टार्स लाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हर इंसान को अलग अलग चीजें पसंद आती हैं, मोहन ने कहा। हाँ, आजकल कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल हो गया है, विनीता ने कहा। लोग ज्यादातर अच्छा डाइनिंग एक्सपीरियंस देखते हैं, और यहाँ तो सभी स्पीशीज के लोग बैठकर खाते हैं, इसलिए हर चीज में 5 स्टार मिलना बहुत कठिन काम है। प्रेम के राजमा चावल वाकई बेस्ट हैं, और तो और मोहन तक इसकी तारीफ कर रहा है। एक आवाज आई, तुम्हें और इसे भी प्रेम के शाही कबाब ट्राई करने चाहिए, यह मेरी खाई अब तक की सबसे अच्छी डिश है। एक और आवाज आई, ये ओनर्स इतने घमंडी नहीं है, है ना। एक और आवाज आई, कुछ कस्टमर्स धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। सभी ओनर्स ने उनकी बात सुन ली, लेकिन चुपचाप रहने के अलावा वो और कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो सभी एम्बेरस हो गए। फूलों के एप्रॉन वाले आंटी, आपको पापा के राजमा चावल पसंद आए, रिया ने पूछा। हाँ, ये बहुत टेस्टी हैं, विनीता ने स्माइल करके कहा। पापा के रेनबो शाही कबाब भी बहुत टेस्टी हैं, आपको वो भी काफी पसंद आएंगे। तभी यामिनी 2 प्लेट शाही कबाब लेकर किचन से बाहर आई। उसने 1 प्लेट कपिल के सामने और दूसरी विनीता के सामने रख दी। आपके शाही कबाब प्लीज एंजॉय कीजिए, उसने कहा। विनीता को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। सारे इंग्रेडिएंट्स की खुशबू से उसकी नाक में गुदगुदी होने लगी। एक एक चीज को बहुत अच्छे से मिलाया गया था। उसने ध्यान से देखकर शाही कबाब के अंदर 6 इंग्रेडिएंट्स गिने। सारे इंग्रेडिएंट्स चावल के बराबर बारीक काटे गए थे। इंग्रेडिएंट्स इतने कलरफुल थे कि ये शाही कबाब वाकई रेनबो जैसे लग रहे थे। इतने सारे इंग्रेडिएंट्स होने के बाद भी डिश बहुत अच्छी दिख रही थी। अगर ये इंग्रेडिएंट्स इतने बारीक काट सकता है तो इसके कटिंग स्किल्स वाकई बहुत अच्छे होंगे, विनीता ने कहा। उसने एक फोक में शाही कबाब लगाया और उसे चबाने लगी। थोड़ी ही देर में उसकी आंखें बंद हो गईं। सारे मसाले और इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिल गए थे, फिर भी उनके फ्लेवर्स अलग अलग आ रहे थे। तभी एक वार्म करंट उसकी बॉडी में दौड़ने लगा। उसकी बॉडी बिल्कुल शांत हो रही थी, जिससे उसको काफी सूदिंग फील हो रहा था। उसके होंठों पर एक स्माइल आ गई। राजमा चावल से उसका ब्लड फ्लो बढ़ गया था, लेकिन उसे शाही कबाब ज्यादा अच्छा लगे क्योंकि ये उसे बहुत शांत बना रहे थे। अच्छा खाना वाकई बहुत सुकून देता है, विनीता ने अपनी आंखें खोलकर कहा। विनीता के एक्सप्रेशन से कपिल थोड़ा परेशान हो गया। उसने कुछ शाही कबाब और खा लिए। जैसे ही बाकी लोगों ने विनीता को अपना फूड एंजॉय करते देखा, उनके मुंह में पानी आ गया। विनीता खाने के मामले में काफी चूजी थी। उसे ज्यादा तेल में बनी चीजें पसंद नहीं थी। पहली नजर में ही उसे ये शाही कबाब राजमा चावल से काफी अच्छे लगे थे। सभी लोग कपिल की तरफ मुड़ गए और उसके रिप्लाई का वेट करने लगे। कपिल का ब्लड फ्लो राजमा चावल खाने के बाद अब तक तेज था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई थी, लेकिन यह कैसे हो सकता था? यह शायद कपिल की इमेजिनेशन ही थी। जैसे ही कपिल ने शाही कबाब चबाए, उसके चेहरे पर रौनक आ गई। उसने कभी भी इतने सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिलाकर बनाई गई डिश का टेस्ट इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं किया था। एक एक मसाले, सारे इंग्रेडिएंट्स सब के सब टेस्ट में बहुत अलग और अच्छे थे। ये सभी एक साथ मिलकर बहुत अच्छा टेक्सचर बना रहे थे। जैसे ही उसने कबाब खाए, वैसे ही एक वार्म करंट उसकी बॉडी में फैल गया। उसकी थकान गायब होने लगी। यह इतना कंफर्टेबल था कि कपिल की आंखें बंद हो गईं। फिर सडनली उसकी आंखें खुली और वो अपने सामने रखे शाही कबाब को देखने लगा और सोचने लगा, यहाँ के फूड में स्पेशल इफेक्ट्स हैं। ये बस मेरी इमेजिनेशन नहीं थी। कपिल ने मुट्ठी बांध ली और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो अब अपनी बढ़ी हुई स्ट्रेंथ फील कर सकता था। क्या हुआ कपिल? मिलन ने क्यूरियस होकर पूछा। क्या तुम्हें फील नहीं हुआ? इन राजमा चावल को खाने के बाद मुझे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ी हुई फील हो रही है, फिर कपिल ने शाही कबाब की तरफ पॉइंट करके कहा। और शाही कबाब से मेरी थकान गायब हो रही है ना, ये बिल्कुल मैजिकल। बाकी लोगों को सरप्राइज हुआ। जब से उन्होंने राजमा चावल खाए थे, तभी से उन्हें अपनी बॉडी में चेंज फील हो रहा था, लेकिन अभी तक उन्हें रियलाइज नहीं हुआ था कि असल में क्या बदल गया था। खाली प्लेट में फोक टकराया। विनीता ने स्माइल करते हुए अपने होंठ चाटे। मुझे लगता है top 3 मोस्ट डिलीशियस डिश में इस डिश का नाम आने वाला है। मैंने शाही कबाब जैसी कोई भी डिश कभी नहीं खाई। मुझे राजमा चावल ज्यादा अच्छे लगे, उसके इंग्रेडिएंट्स कमाल के हैं। हालांकि शाही कबाब भी अच्छे हैं, कपिल ने स्माइल करके कहा। इतना कहकर कपिल ने दोबारा शाही कबाब खाना शुरू कर दिया और उसकी थकान धीरे धीरे गायब होती रही। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुम मुझे यहाँ लाए। अब तो मैं अपने शाही कबाब खाने का वेट नहीं कर सकता, मिलन ने स्माइल करके कहा।
जल्दी ही उन्होंने जो शाही कबाब ऑर्डर किए थे वो आ गए और वो लोग अपने शाही कबाब में डूब गए। प्रेम हाथ में शाही कबाब का एक बॉक्स लेकर किचन से बाहर आया और उसे उसने विजय को दे दिया। विजय अब पहले से काफी अच्छा लग रहा था। तुम्हारे शाही कबाब वाकई कमाल के हैं, उसने एक्साइटेड होकर कहा। उसने प्रेम को थम्स अप का इशारा किया क्योंकि आज वो दोबारा से बहुत अच्छा फील करने लगा था। इसके पहले जो गोलियां विजय खाता था उनसे फायदा होने के बजाय नुकसान ज्यादा होता था, जबकि इन शाही कबाब ने उसे नई जिंदगी दे दी थी। वो दोबारा से जिंदा महसूस कर रहा था। अगर उसका पेट नहीं भरा होता तो वो एक प्लेट और शाही कबाब खा लेता। प्रेम ने सिक्के हाथ में लेकर कहा, दोबारा आइएगा, मैं जरूर आऊंगा। ये कहते हुए विजय शाही कबाब का बॉक्स लेकर दरवाजे की तरफ जाने लगा। प्रेम वहीं खड़े होकर स्माइल करते हुए सिर हिलाता रहा। प्रेम, शाम को जब मैं डिनर के लिए आऊंगा तो मैं उस जगह के बारे में बताऊंगा जहां मैं रिया को मैजिक सिखाने वाला हूं, अमित ने अपना बिल पे करते हुए कहा। और प्रेम ने स्माइल करके कहा, थैंक यू। अमित अब रिया का मास्टर था और तो और वो बोनो की राजकुमारी का मास्टर भी बनते बनते रह गया था, इसलिए प्रेम अब अमित की बहुत इज्जत करने लगा था। अगर इन दोनों को यह बात पता चल जाए कि इनकी स्टूडेंट बोनो की राजकुमारी की लड़की है तो इनके चेहरे देखने लायक होंगे। बाय रिया, अमित ने रिया से कहा। बाय मास्टर आधी दाढ़ी वाले, रिया ने हाथ हिलाकर रिप्लाई किया। वसीम ने भी अपना बिल पे किया और वहां से चला गया। क्या मुझे रिया को तलवारबाजी सिखानी चाहिए? प्रेम ने जब अमित और वसीम को जाते हुए देखा तो वो सोचने लगा। अब प्रेम भारी तलवार नहीं उठा पाता था लेकिन वो अभी भी तलवार के सारे स्किल्स जानता था। क्या तुम हमारा बिल बताओगे प्लीज, कपिल ने प्रेम से कहा। रिया कुर्सी से उतर गई और उन लोगों तक दौड़ कर गई। आप सब लोग अलग अलग पे कर रहे हैं या फिर एक साथ? ये बात साफ थी कि रिया अब हिसाब लगाने में माहिर हो चुकी थी। हम अलग अलग पे करेंगे प्यारी बेटी, विनीता ने रिया के हाथ में 9 सोने के सिक्के रखते हुए कहा। उसने रिया के सर पर हाथ फेरा और बोली, मैं जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आऊंगी तो तुम्हारे लिए फूलों वाला एप्रॉन ले आऊंगी। थैंक यू फूलों के एप्रॉन वाले आंटी, रिया ने खुश होकर कहा। बाकी रेस्टोरेंट ओनर्स ने भी बिल पे कर दिया और दरवाजे की तरफ चले गए। मिलन जैसे ही प्रेम के सामने से निकला वो रुक गया। प्रेम, तुम जीनियस हो, तुमने तो खाने की दुनिया में खलबली मचा दी है, उसने सीरियस होकर कहा। बाकी कस्टमर्स भी प्रेम को देखने के लिए मुड़ गए। उन लोगों ने भी एक दूसरे को देखा। प्रेम ने वाकई उनके कुकिंग के कॉन्सेप्ट्स को बदल दिया था। अरे मैं तो बस एक कुक हूँ, सभी कस्टमर्स प्रेम के शुक्रगुजार थे। आमतौर पर शेफ्स बहुत ही नॉर्मल लोगों में आते हैं लेकिन कोई भी रेस्टोरेंट उनके बिना कुछ भी नहीं है। अगर कोई रेस्टोरेंट का ओनर है तो वो कुक या शेफ कहलाए जाना पसंद नहीं करता, वो खुद को कुक से भी ज्यादा समझते थे। लेकिन प्रेम ऐसा नहीं था। भले ही उसका फूड लाजवाब था, उसका रेस्टोरेंट स्टाइलिश था और उसका बिजनेस कमाल का चल रहा था, फिर भी प्रेम खुद को एक कुक कहता था। प्रेम की विनम्रता ने बाकी ओनर्स और कस्टमर्स का दिल जीत लिया था। इस बात में कोई शक नहीं था कि प्रेम कमाल का फूड कुक कर सकता था। प्रेम को पता था कि उसकी जिंदगी का क्या मकसद था। प्रेम बाकी ओनर्स के लिए एक ऐसा ओपोनेंट था जिसे फूड वॉर में हराया नहीं जा सकता था। कपिल और बाकी रेस्टोरेंट ओनर्स ने प्रेम की तरफ देखकर सिर हिलाया और वहां से बाहर चले गए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इन लोगों को बहुत इंस्पायर कर दिया है, प्रेम ने खुश होकर सोचा और किचन की तरफ चला गया। बाकी ओनर्स ने प्रेम की रेसिपी, उसकी कुकिंग के मेथड और उसके मसालों के बारे में कुछ भी नहीं पूछा था। उन्होंने प्रेम को लेकर अपनी इज्जत और समझदारी दिखाई थी। फिर भी एक नॉर्मल कस्टमर की जगह एक कुक होने के कारण उन्हें कुछ चीजें अपने आप समझ आ गई थी। प्रेम को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि उन्होंने क्या सीखा और क्या नहीं। मैं तो शाम को रसमलाई खाने के लिए उतावला हूँ, अभिषेक ने कहा। मैं भी, तुम कौन सी रसमलाई खाना पसंद करोगे? मुकुल ने पूछा। ऑफ कोर्स बहुत मीठी वाली रसमलाई, अभिषेक ने कहा। और तुम कौन सी? मैं तो नॉर्मल मीठी वाली खाऊंगा, मुकुल ने कहा। फिर दोनों दोस्त चुप हो गए। चिंता मत करो, हम इस बात पर बिल्कुल भी नहीं लड़ेंगे कि कौन सी रसमलाई ज्यादा अच्छी है, अभिषेक ने ऑकवर्ड होकर कहा। अमित और वसीम सुबह रसमलाई के फ्लेवर के कारण ही लड़े थे। किसी को नहीं पता था कि जब प्रेम रसमलाई बेचना शुरू करेगा तब क्या होगा। लेकिन अभिषेक और मुकुल एक साथ बड़े हुए थे, वो लोग ऐसी छोटी सी चीज पर लड़ना नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ अमित चौराहे से बाहर निकलने ही वाला था कि रमन ने उसे रोका और नर्वस होते हुए कहा, अमित रणावत जी। अमित रुका और मुड़कर देखा। उसने रमन का बैच देखा जिसमें एक तलवार और ढाल बनी थी। तुम देवी मंदिर के लिए काम करते हो, तुम क्या चाहते हो लड़के? थोड़ी देर के लिए रमन तो बिल्कुल फ्रीज हो गया। अब उसकी उम्र 70 साल हो चुकी थी और उसे कोई भी लड़के कहकर नहीं बुलाता था।
तब उसे याद आया कि अमित 120 साल से भी ज्यादा बड़े थे। रमन उसकी कहानियां सुनकर बड़ा हुआ था। और तो और रमन का मास्टर भी अमित का बहुत बड़ा फैन था। बस रमन में ऐसा कोई टैलेंट नहीं था कि वो लड़ाकू मैजिशियन बन पाए। जब एक बार रमन को एक योद्धा ने हराया था, तब से रमन ने दूर से ही हमला करने वाले मैजिक का सहारा ले लिया था। कुछ लोग लड़ाकू मैजिक करने में माहिर थे और अमित उन सब में सबसे आगे था। और रिया उसकी स्टूडेंट बन गई थी, ये बात मैजिक कम्युनिटी में बहुत बड़ी चीज थी। इन दिनों अमित की हालत अच्छी नहीं थी। बहुत से मैजिशियन सोचते थे कि अमित का जादू उसके साथ ही मर जाएगा। वसीम, जो बर्फ का शहंशाह था, उसने भी रिया को अपनी स्टूडेंट बना लिया था, और ये बात किसने सोची थी। जैसे ही कुछ मैजिशियंस ने ये खबर सुनी, वो लोग बहुत परेशान हो गए थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इन दोनों से सीखने वाली स्टूडेंट आखिर कितनी पावरफुल हो जाएगी। कई सालों बाद रिया आग और बर्फ दोनों सीख लेगी, फिर वो पास और दूर दोनों तरीकों से लड़ पाएगी, फिर कोई भी रिया से पंगा लेने की हिम्मत भी नहीं करेगा। अमित का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था, फिर भी रमन उसकी पावर फील कर सकता था। अमित रणावत जी, मैं रमन हूं। मैं देवी मंदिर की तरफ से ककाऊ गांव में आपका स्वागत करना चाहता हूं, उसने रिस्पेक्ट करते हुए कहा। अगर हमें आपके आने के बारे में पहले से पता होता तो हम और भी अच्छे से आपका स्वागत करते। कोई बात नहीं, जब मैं यहां आने वाला था तो मैंने देवी मंदिर वालों को नहीं बताया था। मुझे उम्मीद है कि आज सुबह जो भी हुआ उससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तुम वहां थे है ना? क्या तुमने अपने सीनियर से इसकी रिपोर्ट की? रमन को झटका लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सुबह अमित ने उसे नोटिस किया होगा। रमन ने जल्दी से अपना नाम सिर हिलाया। नहीं अमित जी, आपकी और वसीम जी की लड़ाई तो देखने लायक थी और किसी को कोई नुकसान भी नहीं हुआ, तो मैंने ये बात वहीं दबा दी। मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज सुबह मुझे ये लड़ाई देखने मिली। मैं यहाँ आपके स्वागत के लिए आया हूँ। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बताएं। तुम अपने इलाके में हमें लड़ते हुए नहीं देखना चाहोगे है ना? अमित ने नाक सिकोड़ कर कहा। अमित की बात सुनकर रमन का चेहरा थोड़ा उदास दिखने लगा। ककाओ गांव में अमित और वसीम की लड़ाई से वाकई बहुत नुकसान हो सकता था। निश्चिंत रहो, अब से हम दोनों लड़ाई नहीं करेंगे, अमित ने आगे कहा। और मेरे पास पहले से ही नौकर है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं ककाओ गांव में हमेशा के लिए रहने के बारे में सोच रहा हूं। तुम यहां वहां घूमकर मेरा काम करने के लिए काफी बूढ़े हो चुके हो, लेकिन शायद तुम मैजिक रूम ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो। देवी मंदिर ने एक या दो साल पहले बहुत सारे मैजिक रूम्स बनाए थे, रमन ने स्माइल करके कहा। रमन अमित से कहना चाहता था कि वो इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ है, लेकिन उसने नहीं कहा। ये बात बिल्कुल साफ थी कि अमित रमन को बिल्कुल भी खास नजरों से नहीं देखता था। अब रमन को अपने ऑफिसरों को यह बात जल्दी से जल्दी बतानी थी कि अमित रणावत जी ककाओ गांव में हमेशा के लिए रहने की जुगाड़ में हैं, जबकि वसीम यहां पहले से रहते हैं। यह बात देवी मंदिर वालों के लिए अच्छी खबर नहीं थी। अमित ने नामे सिर हिलाकर कहा, नहीं, देवी मंदिर यहां से बहुत दूर है और मेरी स्टूडेंट के लिए अच्छा नहीं होगा। ककाओ गांव में काफी मैजिशियंस हैं, लेकिन मैं उनके मैजिक रूम्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, रमन ने हेजिटेट होकर कहा। अगर मुझे ठीक से याद है तो ककाओ स्कूल में भी मैजिक सिखाया जाता है, क्या तुम वहां मुझे मैजिक रूम ढूंढ कर दोगे? मुझे माफ कीजिएगा अमित जी, लेकिन मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं, रमन ने माफी मांगते हुए कहा। रमन ककाओ स्कूल का टीचर तो था नहीं कि वो अमित को ककाओ स्कूल का मैजिक रूम यूज करने दे देगा, और अगर होता भी तो भी उसके पास इतने राइट्स नहीं होते कि वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी को किसी के पर्सनल यूज के लिए दे पाता। अगर कोई ऐसा करना चाहता तो उसे सबसे पहले अपने ऑफिसर्स को यह बात बतानी होती, फिर अगर वो लोग डिसाइड कर भी लेते तो उसके बाद उसकी जांच होती कि ये बूढ़ा आदमी मैजिक रूम का यूज करते हुए किसी भी तरह से ककाओ गांव को नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहता। इसके बाद प्रिंसिपल से परमिशन लेटर पर साइन करवाने होते, फिर अगर प्रिंसिपल अलाउ करता तब जाकर मैजिक रूम यूज करने या ना करने की बात आती। इस सब में रमन को कम से कम 2 दिन का टाइम लग जाता, लेकिन रमन ने किसी के मुंह से सुना था कि अमित को दोपहर खत्म होने तक मैजिक रूम ढूंढना ही था। अब यहाँ ककाओ स्कूल का तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता, क्योंकि इतने कम समय में ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। तुम बस मुझे प्रिंसिपल के पास ले चलो, बाकी मैं देख लूंगा, अमित स्माइल करता हुआ आगे चलने लगा। मैंने नवीन को सालों से नहीं देखा है, अमित धीरे से बड़बड़ाया। रमन ने अमित की आवाज सुनी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं।
नवीन ककाओ स्कूल का प्रिंसिपल था, जो एक 10वें लेवल का मैजिशियन था। नवीन काफी कम लोगों से मिलता जुलता था। देवी मंदिर वालों का सरदार भी नवीन से इज्जत से बात करता था। रमन ने अपने दांत जोर से पीसे और मन में बड़बड़ाया, हे भगवान मुझे आज बचा लेना। इधर दूसरी तरफ जैसे ही आखिरी कस्टमर गया, प्रेम ने राहत की सांस ली। उसने अपने हाथ पैर अच्छे से स्ट्रेच किए और जैसे ही उसे याद आया कि उसके रेस्टोरेंट में अब तक 632 कस्टमर्स आ चुके हैं, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। अब प्रेम बस 2 या 3 दिन में अपना मिशन पूरा कर लेगा। रिया दौड़कर प्रेम के पास गई। पापा बताओ मैं आपकी पीठ की मालिश कर दूं? रिया ने प्रेम को थका देखकर कहा। लेकिन रिया अभी बहुत छोटी थी और उसमें इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं थी कि उसकी मालिश से कुछ असर पड़े। लेकिन फिर भी रिया के एफर्ट्स देखकर प्रेम का दिल पिघल गया। बस एक रिया ही थी जिसे प्रेम की सच्ची परवाह थी। बॉस अगर आप चाहें तो मैं आपके कंधों की मालिश कर सकती हूँ, मैं रिया से ज्यादा स्ट्रांग हूँ, यामिनी ने अपनी उंगलियों को मोड़ते हुए कहा। आप कंधों की मालिश करना जानती हो? रिया ने अपने हाथ पीछे कर लिए और थक कर बोली, मैं नहीं दीदी, मेरी मदद करो। हाँ मुझे मालिश करनी आती है, मैं जब छोटी थी तो अपनी मम्मी के कंधों की मालिश करती थी। उन्हें पूरे दिन काम करना पड़ता था तो वो काफी थक जाती थीं। अपनी मम्मी के बारे में सोचते ही यामिनी की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है अब तुम्हारे हवाले ये तन साथियों, प्रेम ने मजाकिया तरीके से कहा। वो कुर्सी पर झुक कर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। बस मेरी हड्डियां मत तोड़ना, यामिनी को हंसी आ गई। चिंता मत करिए बॉस, मैं नहीं तोड़ूंगी। थैंक यू यामिनी, प्रेम ने स्माइल करके कहा। यामिनी प्रेम के पीछे जाकर खड़ी हो गई और उसके कंधे पर हाथ रखने के पहले थोड़ी देर हेजिटेट हुई। वो थोड़ी नर्वस हो गई, उसका चेहरा लाल हो गया और हाथ कांपने लगे। मैं मालिश करवाते करवाते थोड़ी झपकी भी ले लेता हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। प्रेम ने धीरे धीरे सांस लेना शुरू कर दिया जैसे वो सो गया हो। ठीक है बॉस, यामिनी ने कहा। फिर उसने कुछ लंबी लंबी सांसें ली और उसकी नर्वसनेस चली गई। यामिनी ने प्रेम की गर्दन, कंधे और हाथों की मालिश करना शुरू कर दी। जैसे ही यामिनी के हाथ प्रेम की गर्दन तक पहुंचे, प्रेम को बहुत राहत महसूस हुई। प्रेम को आज एक आधी राक्षस वेट्रेस के साथ साथ एक मालिश करने वाली लड़की भी मिल गई थी। यामिनी बहुत अच्छे से मालिश कर रही थी, उसके हाथ काफी स्ट्रांग थे। प्रेम की पूरी थकान गायब हो गई और इस बार वो वाकई में सो गया। थोड़ी देर बाद जब प्रेम उठा तो टाइम 2:30 हो गया था। उसके ऊपर एक कंबल था और एक कंबल रिया के ऊपर था, जो अपनी गोद में अगली डकलिंग को लेकर सो गई थी। प्रेम ने स्माइल करके सिर हिलाया। वो खड़ा हुआ और उसने फिर से अपनी बॉडी स्ट्रेच की। उसे काफी अच्छा फील हो रहा था। किचन से बर्तनों की आवाज आ रही थी। रेस्टोरेंट का फ्लोर एकदम साफ था, सब कुछ बिल्कुल साफ दिख रहा था। यामिनी का भी सारा काम लगभग हो चुका था। प्रेम ने कंबल कुर्सी पर रख दिया और किचन की तरफ जाने लगा। प्रेम ने सोचा कि यूं ही यामिनी से मालिश करवाना सही नहीं था। शाही कबाब से प्रेम की थकान जाती थी, लेकिन प्रेम एक ही डिश रोज रोज नहीं खाना चाहता था। यामिनी की मालिश ने भी शाही कबाब जितना ही असर किया था। मिनी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम है, प्रेम ने कहा। यामिनी डिश वॉशर से प्लेट्स निकाल रही थी। पेमेंट के तौर पर मैं तुम्हें लंच जैसे ही डिनर भी फ्री कर दूंगा। यामिनी पीछे मुड़ी और सरप्राइज हो गई। उसे रेस्टोरेंट का फूड बहुत ज्यादा पसंद आया था। वो पहले ही फ्री लंच मिलने के कारण अपने बॉस के शुक्रगुजार थे, क्योंकि यामिनी कभी भी इस रेस्टोरेंट में खाना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फूड के ख्यालों से बाहर आकर यामिनी ने सिर हिलाकर कहा, मैं आपका काम कर दूंगी, लेकिन आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैंने जो डिस्क्रिप्शन तुम्हें बताया था उसमें ये काम इंक्लूड नहीं था, इसलिए अगर मुझे ये काम तुमसे करवाना है तो मुझे पे करना ही होगा, प्रेम ने कहा। मसाज के अलावा भी प्रेम यामिनी के काम से बहुत खुश था। वो 3 लोगों के बराबर अकेले काम करती थी। अब प्रेम यामिनी को डिनर में जलेबियां खाते नहीं देख सकता था। लेकिन मैंने तुम्हें बताया ही नहीं है कि तुम्हें क्या काम करना है, प्रेम ने बीच में इंटरप्ट करके कहा। प्रेम ने यामिनी की आंखों में देखा और स्माइल करके आगे बोला, तुमने तो देखा ही है कि हम कितने बिजी रहते हैं, मैं कई बार बहुत थक जाता हूँ, तो जब भी हमारा रेस्टोरेंट बंद रहे तो क्या तुम मेरे कंधों की मालिश कर सकती हो? यामिनी ने सोचा था कि प्रेम उससे किचन में मदद करने के बारे में कुछ कहेगा। नहीं, मेरा मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें बहुत टाइम या एफर्ट्स लगते हो, तो आप जब भी थकान महसूस करें तो मुझे बता देना, आपको इसके लिए मुझे कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, तो मैं तुम्हारी हाँ समझूं, प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा। आज हम डिनर में रसमलाई खाने वाले हैं,
ये सुनते ही यामिनी के मुंह में पानी आ गया। प्रेम की आंखों में देखकर वह थोड़ी देर हेजिटेट हुई, फिर उसने कहा, थैंक यू बॉस, अब से मैं और मेहनत करूंगी। ये हुई ना बात। प्रेम ने देखा कि यामिनी ने सारा काम पहले ही खत्म कर लिया है, तो प्रेम ने कहा, अब जाकर थोड़ा आराम कर लो, जब रिया उठ जाएगी तो उसके साथ डांस कर लेना। मैं किचन में आपकी मदद कर सकती हूँ, बस आप मुझे ये बताइए कि मुझे करना क्या है। यामिनी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी कि उसके बॉस किचन में काम करें और वो जाकर आराम करे, जबकि अब तो उसके बॉस ने उसे फ्री डिनर भी ऑफर कर दिया था। उसने सोच लिया था कि अब वो और ज्यादा काम करेगी। तुमने जो कुछ भी सीखा है तुम दूसरों को नहीं सिखा सकते, वरना तुम्हारी ताकत 5% कम कर दी जाएगी, सिस्टम ने प्रेम के दिमाग में कहा। अरे यार, पर मैं दिन भर गधों के जैसे काम करता हूँ, प्रेम ने एक आईब्रो ऊपर करके मन में कहा। प्रेम बहुत खुश था कि यामिनी उसकी किचन में मदद कर देगी, लेकिन सिस्टम ने प्रेम के दिल के अरमानों पर पानी फेर दिया। तुम तो अभी 9 से किया हो, तुमने अभी बस 3 डिशेस बनाना ही सीखी हैं। तुम में अभी टीचर बनने की क्वालिटी ही नहीं है, सिस्टम ने आगे कहा। यहाँ के लोग मेरे राजमा चावल और शाही कबाब के दीवाने हैं, और तो और रसमलाई के कारण 10वें लेवल के 2 मैजिशियंस के बीच में लड़ाई तक हो गई थी, और तुम मुझे 9 से क्या कह रहे हो? और तुम ये कहना चाहते हो कि जब मैं और डिशेस मास्टर कर लूंगा तो मैं लोगों को सिखा सकता हूँ? पहले रेस्टोरेंट अपग्रेड कर लो तो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे। सिस्टम हर तरीके इस्तेमाल कर रहा था जिससे प्रेम रेस्टोरेंट को अपग्रेड कर ले। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना जवाब अपने पास ही रखो, प्रेम ने रिप्लाई दिया। प्रेम अपनी स्ट्रेंथ किसी भी हाल में कम नहीं होने देना चाहता था। उसने कहा, मिनी मैं सब संभाल लूंगा, तुम जाकर आराम करो। प्रेम इस बारे में ज्यादा कॉन्फिडेंट भी नहीं था कि यामिनी उसकी कोई खास मदद कर पाएगी, क्योंकि प्रेम जैसे काम के लिए काफी स्किल्स और एक्सपीरियंस की जरूरत थी। यामिनी ने भी ज्यादा जोर नहीं लगाया, अब तक वो समझ चुकी थी कि प्रेम कैसा है। ठीक है बॉस, जब भी आपको कोई मदद चाहिए हो तो मुझे जरूर बताना। हाँ बिल्कुल। प्रेम ने एप्रॉन पहन लिया। आज रात से वो रसमलाई बेचना शुरू कर रहा था, इसलिए अब उसे और भी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करने थे। नया मिशन, अगले 10 दिन तक इस बात का ध्यान रखना कि हर एक इंसान को हर मील में बस एक बोल रसमलाई ही दी जाए। जैसे ही मिशन कंप्लीट होगा तुम्हें एक लकी ड्रॉ खेलने का मौका मिलेगा। थोड़ी देर को प्रेम फ्रीज हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सिस्टम रसमलाई की सेल को रोक देगा। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि सिस्टम ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि इस बात का तो कोई मतलब भी नहीं निकलता। मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया है, मैं जो रेपुटेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं इससे वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। और ये लकी ड्रॉ क्या है? प्रेम ने आईब्रोज ऊपर करके कहा। मैंने बहुत सोच समझ कर ये डिसीजन लिया है। लकी ड्रॉ स्पिनर तुम्हारे एंथुसियाज्म को बढ़ाने के लिए बनाया है। जैसे ही तुम मिशन पूरा करते हो तुम्हें लकी ड्रॉ स्पिनर यूज करने मिलेगा, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे प्राइजेस होंगे, केक रेसिपी, आइसक्रीम रेसिपी, वाइन रेसिपी, स्ट्रेंथ एटसेट्रा। प्रेम की आंखों में रौनक आ गई और वो सोचने लगा, रिया को आइसक्रीम बहुत पसंद आएगी, कोई भी बच्चा आइसक्रीम को मना नहीं कर सकता। वाइन की रेसिपी भी कमाल की है, भले ही मैं शराब नहीं पीता लेकिन सोने से पहले थोड़ी सी वाइन पीने से नींद अच्छी आती होगी। इस सब में सबसे एक्साइटिंग प्राइज स्ट्रेंथ थी। ये बात बिल्कुल साफ थी कि प्रेम कुछ ही दिनों में 10,000 सोने के सिक्के देकर 5% स्ट्रेंथ खरीद लेगा और एक नॉर्मल आदमी जितना स्ट्रांग हो जाएगा। अगर वो मिशन को पूरा करके 5% स्ट्रेंथ और ले लेगा तो वो तलवार भी उठा पाएगा। जो स्किल्स प्रेम के दिमाग में है उनकी मदद से वो खुद को प्रोटेक्ट भी कर पाएगा। प्राइजेस तो वाकई में बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम मिशन को कुछ ऐसा क्यों नहीं बना देते जैसे 1,000 बोल्स रसमलाई बेचना? प्रेम ने कहा। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, बहुत से लोग यहाँ जो ख्वाहिश लेकर आएंगे अगर वो पूरी नहीं होंगी तो काफी डिप्रेस्ड हो जाएंगे, खासकर वो लोग जो लंबे समय से इंतजार कर रहे होंगे। प्रेम बिल्कुल चुप हो गया। उसने भी ये प्रॉब्लम नोटिस की थी। जब भी कस्टमर्स ओपनिंग आवर्स के दौरान शाही कबाब ऑर्डर करते थे तो प्रेम हमेशा सर्व कर देता था। हालांकि यही चीज राजमा चावल के केस में नहीं की जा सकती थी, प्रेम सबके लिए राजमा चावल तैयार नहीं कर पाता था। कुछ कस्टमर्स को खाली हाथ और डिसअपॉइंट होकर ही जाना पड़ता था। एक कस्टमर तो पिछले 3 दिन से लगातार आ रहा था, फिर भी उसे एक बार भी राजमा चावल नहीं मिल पाए। वो अपने काम के कारण जल्दी नहीं आ पाता था। जब भी वो दुखी होकर लौटता तो प्रेम को भी काफी दुख होता था। प्रेम हर मील में ज्यादा से ज्यादा 200 प्लेट राजमा चावल ही बना सकता था। अब अगर प्रेम सभी को बस एक प्लेट राजमा चावल ही दे तो वो सभी को सर्व कर लेगा, लेकिन सिद्धार्थ और उत्कर्ष जैसे लोग हमेशा एक से ज्यादा प्लेट ही ऑर्डर करते थे।
अगर उन्हें बस एक प्लेट तक ही लिमिट किया गया तो ये उनके लिए टॉर्चर हो जाएगा। सिस्टम ने आगे कहा, रसमलाई में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें दानवों ने उगाया है, उनमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। उन सभी प्रोडक्ट्स को 14 घंटे तक सूरज की रोशनी मिलती है। उनकी खेती में पेस्टिसाइड्स यूज नहीं होते। नॉर्मल प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में इन प्रोडक्ट्स में 5 गुना ज्यादा प्रोटीन है। इनमें विटामिन और मिनरल्स भी हैं, जिस कारण ये स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन बहुत से लोग ज्यादा प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इन रसमलाई में 5 गुना ज्यादा न्यूट्रिशन है? प्रेम ने सरप्राइज होकर पूछा। अगर सही वैल्यू बताएं तो 4.5 गुना ज्यादा। फिर जब मैंने रिया और बिल्ली को 2-2 बॉल्स दिए तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? प्रेम ने चिंता करते हुए कहा। चिंता मत करो, 2 बॉल्स ज्यादा नहीं है क्योंकि वो दोनों अभी ग्रो कर रही हैं। उनको प्रोटीन की जरूरत है। प्रेम ने राहत की सांस ली। सिस्टम जरूरत के हर टाइम काफी रिलायबल था। मैं 2 दिन बाद स्ट्रेंथ खरीद लूंगा। अगली 5% स्ट्रेंथ के चार्जेस क्या होंगे? प्रेम ने कहा। 50,000 सोने के सिक्के। प्रेम को झटका लग गया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? प्रेम को 10,000 सोने के सिक्के कलेक्ट करने में आधा महीना लग गया था। अगर प्रेम अपने खर्चों को रोक भी ले तब भी उसे 50,000 सोने के सिक्के कलेक्ट करने में 1 महीने का टाइम लगेगा। पहली बार की स्ट्रेंथ से दूसरी बार की 5% स्ट्रेंथ 5 गुना ज्यादा महंगी है। इसका मतलब तीसरी बार की स्ट्रेंथ और भी महंगी होगी। प्रेम का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन इतना भी नहीं कि प्रेम कम से कम टाइम में अपनी स्ट्रेंथ रिकवर कर ले। मैं तुमसे कभी नहीं कहूंगा कि तुम अपनी स्ट्रेंथ खरीदो, सिस्टम ने आगे कहा। अगर तुम कुकिंग का बादशाह बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने मिशन पर फोकस करना चाहिए, पैसे कमाने पर नहीं। तुमसे कुछ उम्मीदें हैं। हर मिशन के खत्म होने पर तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सकती है और यही सबसे अच्छा तरीका है। हाँ, हालांकि जब भी तुम स्ट्रेंथ खरीदना चाहो मैं तुम्हें हमेशा बेचूंगा। प्रेम ने अपना होंठ काटा। मुझे पता था। वो थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसने दिमाग में मिशन देखकर बोला, मैं ये मिशन एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन लकी व्हील पर वाइन की रेसिपी नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ सौम्या, वो किताब पढ़ना बंद करो, वरना तुम्हारी जितनी सुंदर लड़की भी किताबी कीड़ा बनकर जाएगी। नीली ड्रेस पहने एक लड़की ने सौम्या के हाथ से किताब छीनकर कहा। सौम्या किसी गार्डन के बेंच पर बैठी थी। उस लड़की ने स्माइल करके कहा, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताओ, महल में रहना बहुत बोरिंग है। ये लड़की करीब 18 साल की थी। उसका चेहरा ओवल शेप में था और आईब्रोज काफी सुंदर थी। उसने एक चोटी बनाई हुई थी और उसके कुछ बाल माथे पर थे। वापस करो वंदना, मैं वो किताब बस खत्म करने ही वाली हूँ, सौम्या ने स्माइल करके कहा। वंदना ने किताब अपने पीछे छुपा ली और ना में सिर हिलाकर बोली, नहीं, नेक्स्ट टाइम जब तुम मुझसे मिलने आओगी तब तक ये किताब मेरे ही पास रहेगी। अगर तुम मेरी किताब वापस कर दोगी तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अगले डे ऑफ पर यहाँ जरूर आऊंगी, सौम्या ने हाथ बढ़ाकर कहा। वंदना ने उसके हाथों पर ताली मार दी और बोली, जैसे मैं तुम्हारा भरोसा करने वाली हूँ, तुमने लास्ट टाइम भी यही कहा था, लेकिन तुम आधे महीने बाद यहाँ आई। वंदना ने एक स्टूल पर किताब रखी और उस पर बैठ गई। पेवेलियन में और भी बेंचेस रखी हुई थी। उसके बीचों बीच एक स्टोन टेबल रखी हुई थी जिसके चारों तरफ 4 स्टोन स्टूल रखे थे। फ्रूट्स की 2 प्लेट्स टेबल पर रखी हुई थी। माफ करना, पिछले हफ्ते एक बच्ची बीमार थी, मुझे 2 दिन तक उसकी देखभाल करनी पड़ी, सौम्या ने किताब की तरफ देखकर कहा। क्या अब वो ठीक है? वंदना ने एक संतरा छीला और आधा सौम्या को देकर पूछा। फिर उसने कुछ संतरे के टुकड़े अपने मुंह में रख लिए। नहीं, वो अब नहीं रही, सौम्या ने सिर हिलाकर कहा और उदास होकर अपनी आंखें नीचे कर ली। ये सुनकर वंदना का हाथ ठंडा पड़ गया। उसे अपनी दोस्त को ऐसे उदास देखकर बुरा लग रहा था। उसने कुछ संतरे के टुकड़े सौम्या के मुंह के सामने किया और बोली, शायद उसे मुक्ति मिल गई। आखिरी सांसों में वो लड़की तुम्हें अपने बगल में देखकर बहुत खुश हुई होगी। थैंक यू वंदना, अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है, सौम्या ने स्माइल करके कहा और संतरा खाने के लिए अपना मुंह खोल दिया। कितना मीठा और जूसी है। बच्चों का ख्याल रखना तुम जैसी लड़की का काम नहीं है। तुम्हें अपने दिन शांति और आराम से करूर में बिताने चाहिए, वंदना ने कहा। अपना ख्याल रखो, वरना मुझे तुम्हारे दादाजी को सब लिखकर बताना होगा। इसके बाद वंदना सोच में पड़ गई। बाजार में संतरे आए हफ्तों हो गए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसने एक बार भी खरीदे होंगे। इसे संतरे कितने पसंद हैं? इसने इस बार भी अपने सारे पैसे बच्चों पर ही खर्च कर दिए होंगे। अब मेरे दादाजी 70 साल के हो गए हैं, कुछ संतरों के कारण उन्हें परेशान मत करो, सौम्या ने वंदना के माथे को उंगली से धक्का देकर कहा। यह बात साफ थी कि अब सौम्या का मूड अच्छा हो गया था। चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रखूंगी, मेरे पास इस महीने पहले से ज्यादा पैसे हैं,
अरे मुझे तुम्हें किसी इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बताना है, या ये कहूँ कि किसी इंटरेस्टिंग इंसान के बारे में। आउच! सौम्या की उंगली के धक्के से वंदना पीछे झुक गई। किसके बारे में? एक आदमी? क्या तुमने अपने सपनों का राजकुमार ढूंढ लिया? वंदना की आंखें क्यूरियोसिटी के कारण चमक रही थी। नहीं, सौम्या ने तुरंत कहा। उसे प्रेम मिस्टीरियस और खास लगता था, लेकिन उसने कभी भी प्रेम से शादी करने के बारे में नहीं सोचा था। और शायद रिया की मम्मी कभी भी वापस आ सकती थी, और वो काफी सुंदर भी थी। क्या तुम शर्मा रही हो? हे भगवान, मैंने बिल्कुल सही सोचा था। वंदना आगे की तरफ झुक गई और सौम्या को घूरने लगी। नहीं, मैं शर्मा नहीं रही हूँ, तुम गलत समझ रही हो। उसका एक रेस्टोरेंट है, उसकी बेटी मेरी स्टूडेंट है। सौम्या ने फिर से वंदना के सिर को अपनी उंगली से धक्का दिया। अच्छा, तो वो शादीशुदा है? वंदना ने डिसअपॉइंट होकर कहा। फिर उससे ज्यादा अटैच्ड मत होना, इसी में समझदारी है, वरना तुम्हारे इस छोटे से अफेयर के कारण तुम्हें ककाओ स्कूल से निकाला भी जा सकता है। चिंता मत करो, मैंने ऑलरेडी स्कूल से शादी कर ली है, सौम्या ने स्माइल करके कहा। वंदना ने ना में सिर हिलाकर कहा। मेरी बात मानो, तुम अकेले मरना पसंद नहीं करोगी, कोई अच्छा सा पार्टनर ढूंढ लो। अच्छा, उस आदमी के बारे में कौन सी चीज इंटरेस्टिंग है? वो बहुत डिलीशियस फूड कुक करता है। वंदना के चेहरे पर रौनक आ गई। सचमुच? कितना डिलीशियस? हमारे यहाँ के सबसे फेमस रेस्टोरेंट जितना डिलीशियस? तुम खुद क्यों नहीं जान लेती? सौम्या ने वंदना को सस्पेंस में ही रखा। उसका रेस्टोरेंट चौराहे के सबसे आखिर में है, उसका नाम मारिया रेस्टोरेंट है, मैं आज वहां डिनर करने वाली हूँ। वंदना तुरंत अपने पैरों पर खड़ी हो गई। तुम्हें पता है कि मैं घर पर ही रहती हूँ, और आज रात मुझे एक शादी में जाना है, तो मुझे ऐसे टॉर्चर कैसे कर सकती हो? तुम बहुत बुरी हो। वंदना की बात सुनकर सौम्या हंसने लगी, फिर वंदना भी उसके साथ हंसने लगी। पापा, क्या आज हम उसी रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं जहां आप रोज खाना खाते हैं? प्रशांत ने पूछा। वो ब्लैक कलर की जैकेट, ब्राउन कलर की पैंट और ब्लैक कलर के बूट्स पहने था, और छोटे से सफेद घोड़े पर फार्म में बैठा था। वो गजाधर की तरफ बहुत सरप्राइज होकर देख रहा था। ऐसे ही एक और छोटे घोड़े पर करीब 3 साल का एक लड़का और बैठा था, जिसके बाल मशरूम के शेप में थे। वो कसकर घोड़े की रस्सी पकड़ा था। वो थोड़ी देर तक तो शांत रहा, फिर बोला, रेनबो शाही कबाब, रेनबो शाही कबाब। वो बहुत खुश हो गया और अपने हाथ हिलाने लगा। हाँ, ओनर की एक बहुत सुंदर लड़की भी है, मुझे लगता है कि वो तुमसे छोटी और प्रकाश से बड़ी होगी, मुझे लगता है वो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। गजाधर अपने दोनों बेटों को बहुत प्यार भरी नजरों से देखने लगा। सचमुच, एक छोटी बहन? प्रशांत ने एक्साइटेड होकर कहा। प्रकाश फिर से थोड़ी देर चुप रहा और अपने हाथ हिलाते हुए, बड़ी बहन, बड़ी बहन।